हाय कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं कृष्णा के प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में, जो कृष्णा ने हमारे पीछे पीछे लगा रखे हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा थोड़ा प्राइवेट डिटेक्टिव के बारे में कि प्राइवेट डिटेक्टिव होता क्या है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि मूवीज में देखा होगा, ऐसे जनरली तो पता नहीं चल पाता क्योंकि प्राइवेट डिटेक्टिव नाम ही प्राइवेट डिटेक्टिव है, हमें पता कैसे चलेगा। तो मूवीज में कई बार देखते हैं कि कोई धनी व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति पे निगरानी रखने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए उसको एंगेज किया है ना। और वो बोलता है कि भैया इसका ना, इस तीसरे व्यक्ति का, फला फला व्यक्ति का, इसको सब कुछ नोट करो, ये क्या खाता है, क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, इसके मित्र कौन है, ये कौन है, वो कौन है, तो सब कुछ नोट करो, है ना। ऐसा होता है ना। तो अब क्या आपको पता है कि कृष्णा ने भी ऐसा एक प्राइवेट डिटेक्टिव हर एक जीव के पीछे छोड़ा हुआ है, हमारे पीछे छोड़ा हुआ है। तो अब आपको बताना है थोड़ा दिमाग पे जोर लगा के, पर एक शब्द में, कि ऐसा वो प्राइवेट डिटेक्टिव कौन है जो लगातार हमारा सब नोट कर रहा है। बहुत इजी सवाल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हरी बोल, वेरी नाइस आंसर सर कमिंग। यस, देखो मैंने स्क्रीन अच्छे से कर दिया तो आप लोगों ने इजी हो गया आंसर देना। परमात्मा। यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा आंसर है, परमात्मा। तो जैसे जो हम मूवीज में देखते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव, तो उसकी फिर भी कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वो सब जगह हमारे साथ नहीं जा सकता, घर में नहीं घुस सकता है ना, और बाथरूम में नहीं घुस सकता। तो हर जगह वो ढंग से हमारा सब कुछ नोट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो कृष्णा का प्राइवेट डिटेक्टिव है, ये क्योंकि कृष्णा का है, कृष्णा ने भेजा हुआ है, कृष्णा का विस्तार है, इसलिए ये सर्वशक्तिमान है। ये सब जगह हमारे साथ जाता है, सब कुछ नोट करता है। बल्कि ये हमारे मन की जो स्थिति है, जो हमारे मन में चल रहा है, किसी के लिए क्या भाव आ रहे हैं, किसी के लिए क्या विचार है, सब कुछ नोट कर रहा है। एवरीथिंग इज नोटिंग, सब कुछ नोट कर रहा है। और बल्कि इसके भी ऊपर वो मरने के बाद भी साथ रहता है। आपने शरीर चेंज किया, साथ साथ चलेगा। इतना जबरदस्त प्राइवेट डिटेक्टिव है ना। अगर हमने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद हम कीड़े बन गए, ये वहां भी आ जाएगा साथ साथ। देवता बन गए, वहां भी आ जाएंगे ये हमारे साथ साथ। तो हर जगह साथ साथ रहेंगे हमारे। और काम क्या करेंगे? काम वही प्राइवेट डिटेक्टिव वाला, एवरीथिंग नोट डाउन, सब कुछ नोट करते रहेंगे। मुंडक उपनिषद का एक बहुत ही फेमस श्लोक है। उस फेमस श्लोक में वो श्लोक क्या कहता है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्तु जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्यन्य तु अश्ननंच अविचाकशीति। तो ये श्लोक में मैं अब आपको जो बोल रहा हूँ इसका अर्थ, उसको एक बार आप दिमाग में इमेज बनाना। और क्या बोल रहा है श्लोक के अंदर, कि दो पक्षी हैं और बहुत ही सुनहरे पंखों वाले सुंदर से पक्षी हैं, और वो एक ही पेड़ पर बैठे हैं, एक पेड़ पर बैठे हैं, घने से पेड़ पर बैठे हैं। और एक जो पक्षी है, सपोज लेफ्ट वाला, आप लेफ्ट वाली इमेज बना लो, लेफ्ट वाला पक्षी है वो वृक्ष के फल खा रहा है, और जो राइट वाला है वो केवल देख रहा है। तो ये सुंदर एनालॉजी से, इस सुंदर एग्जाम्पल से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बताया मुंडक उपनिषद में। तो ये जो द्वा सुपर्णा है, यानी दो पक्षी है, ये कौन है? आत्मा और परमात्मा, यानी हम और हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव परमात्मा। नेक्स्ट वर्ड में क्या बोला? सयुजा सखाया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सयुजा का मतलब होता है कांस्टेंट, शाश्वत, हमेशा साथ रहने वाला। और सखाया मतलब कंपेनियन, साथी। तो ये जो परमात्मा है, जिनको हम प्राइवेट डिटेक्टिव कह रहे हैं, ये वास्तव में हमारे ऐसे संगी हैं, साथी हैं, जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमेशा साथ में हमारे चलते रहेंगे, पूरी प्रोसेस में हमेशा साथ चलते रहेंगे। हमारे जैसे माता पिता होते हैं, वो हमारे साथ कितना रहते हैं? 50-60 साल। और पत्नी होती है वो 40-50, वो देख लेना आप, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके नहीं बोल रहा हूँ। बच्चे हैं वो 20-30 साल, कोई हमारा फ्रेंड है वो 30-40 साल। तो ऐसे अलग अलग कैलकुलेशन है, लेकिन ये ऐसे संगी साथी हैं हमारे परमात्मा। ये पक्षी हमारे साथ सदैव साथ में रहता है, और ना केवल सदैव, बल्कि मृत्यु हो गई फिर अगली बॉडी में भी साथ में साथ साथ चलता रहेगा। फिर इस श्लोक के अगले वर्ड में कहा समानम वृक्षम परिशस्त जाते।
सेम ट्री पर बैठे हैं, और ट्री क्या है, हमारी ये बॉडी, जो भी हमें शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला, साथ में बैठे हैं दोनों, आत्मा में बैठी है, परमात्मा भी साथ में, कीड़े कीड़े बन गए, कीट बन गए कोई, साथ में बैठे हैं, पेड़ बन गए, पेड़ पे भी साथ में बैठे हैं, पशु बन गए, पशु में भी साथ में बैठे हुए हैं। तो हर प्रकार के शरीर में, शरीर को बोला गया यहाँ पे पेड़ के नाम से, तो एक ही पेड़ में दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो अंदर बैठे रहते हैं साथ में, है ना, इसलिए हमारे सबसे क्लोज भी हैं, कांस्टेंट कंपेनियन है, सही जा सकाया सबसे पास में। अब आगे बोला गया कि तयोर अन्य विपुलम स्वादु अति अन्य तू अश्ननन अभिचाक्षीति, कि एक फल खा रहा है और दूसरा देख रहा है, यानी कि एक पक्षी यानी कि आत्मा जो है वो बैठ के फल खा रही है और दूसरा जो है वो केवल देख रहा है। तो क्या मतलब है फल खाने का, कोई बताना चाहेगा फल खाने का क्या मतलब है, चैट पे लिख दीजिए, अनम्यूट मत कीजिएगा। ओके वेरी नाइस। कर्मों को, तो फल खाने का मतलब है कि अगर आम के पेड़ पर पहुंच गए तो आम खाओ, और करेले के झाड़ पे पहुंच गए तो करेले खाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ फल खाने का, कि जब शरीर प्राप्त करेंगे, उस वृक्ष पे पहुंचेंगे, तो उस वृक्ष में जो सुख दुख रूपी कर्मों के फल चल रहे हैं, यानी जो फल हैं पेड़ के, वो खाने पड़ेंगे, वो खाएंगे। तो खाएगा कौन, आत्मा खाएगी, और देखेगा कौन, नोट डाउन कौन करेगा, वो हमारे प्राइवेट डिटेक्टर साहब परमात्मा करेंगे, है ना, सारा नोट करेंगे कि फल खा रहा है, क्या फल खा रहा है, फल खा रहा है तो फल खाते हुए क्या कर रहा है और क्या चेतना है, सब कुछ नोट करेंगे, सब कुछ नोट करेंगे, है ना। आपको कोई सुख दुख है, कोई सुख दुख के रूपी फल आप खा रहे हो, तो आप खा रहे हो उसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं, वो उनको नहीं छुपाएंगे, है ना, खाने आपको, परमात्मा नहीं खाएंगे, वो केवल बस देखने का काम करेंगे, है ना, क्योंकि परमात्मा जो है वो कृष्ण के ही विस्तार है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। देखो जब कृष्ण सृष्टि लीला करते हैं तो सबसे पहले उनसे आते हैं बलराम, हमें शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बलराम आए, बलराम से आए प्रथम चतुर्युग, वासुदेव, संकर्षण और प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इन चारों के सेट को बोलते हैं चतुर्युग। ये चार आए, इनसे नारायण आए, नारायण से फिर दूसरा चतुर्युग सेट आया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। और इस सेट का जो संकर्षण है, उन संकर्षण से कौन आए, कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु जो कि कारण सागर में लेटते हैं, कारण सागर में शयन करते हैं, और उनके दिव्य शरीर के जो अनंत अनंत रोमकूप हैं, उन अनंत रोमकूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, प्रकट हो रहे हैं और वापस उसी में मिल जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, निरंतर निरंतर प्रोसेस चल रही है। तो एक कारणोदक्षाय विष्णु से अनंत ब्रह्मांड, और उस अनंत ब्रह्मांड में हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु बैठे हुए हैं, है ना। तो कितने कितने गर्भोदक्षाय विष्णु हो गए, अनंत। और उस अनंत गर्भ अनंत ब्रह्मांडों में प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में भगवान अपने शिरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा, सिंपल शब्दों में बोले तो उस रूप में हर कण में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। तो कितने शिरोदक्षाय विष्णु हो गए, कितने परमात्मा हो गए, अनंत मल्टीप्लाइड बाय अनंत, इतने जबरदस्त ये भगवान का विस्तार है, हर एक कण में प्रवेश कर गया। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि अतो विदु, एकम तु महसृष्टे, द्वितीयम त्व अंड संस्थितम, तृतीय सर्वभूतस्थम, तानि ज्ञाता विमुच्यते। हमारे शास्त्रों का सुंदर श्लोक है, इसमें बताया गया है कि विष्णु भगवान जो है वो तीन रूपों में कार्य करते हैं, है ना, पुरुष अवतार जिनको कहते हैं, पहला मैंने बताया कारणोदक्षाय विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु, और तीसरे शिरोदक्षाय विष्णु या परमात्मा जो एक कण कण के अंदर बैठे हुए हैं, सब जगह बैठे हुए, सर्वस्य चाह मृदि सन्निविष्टो, भगवान कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन में सब जगह हर एक जीव के हृदय में बैठा हुआ, सब जगह भगवान बैठे हुए हैं। तृतीय सर्वभूतस्थम, जो तीसरा पुरुष अवतार है, भगवान कह रहे हैं कि तृतीय पुरुष अवतार है वो सर्वभूतस्थम, वो सभी भूतों के अंदर स्थित है, बैठा हुआ है, और क्या कर रहा है, नोट डाउन। तो अपने इस विस्तार से, अवतार से के कारण भगवान का जो एक नाम है वो है सर्वव्यापक, ऑल परवेसिव गॉड, सर्वत्र विराजमान, भगवान को बोलते हैं ना भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र विराजमान है। तो
तो कैसे हैं वो, किस फॉर्म में, परमात्मा, अपने जो परमात्मा विस्तार है उसके द्वारा करें। और क्यों ऐसा कि कृष्णा सर्वत्र विराजमान होना चाहते हैं, क्योंकि उनको आपके ऊपर नजर रखनी है, आपका सब कुछ नोट करना है। हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि कृष्णा आप कितने गंदे हो, है? हम पे नजर रखते हो, हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है क्या? गलत बात है, तो बहुत ऐसा नहीं कह सकते ये, इसको हम सेपरेटली लास्ट में डिस्कस करेंगे, इसका आंसर आप खुद ही दे देंगे, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे प्राइवेट डिटेक्टिव बन के, है ना, और घूम रहे सब कुछ नोट कर रहा। भगवत गीता का 13वें अध्याय का 23rd नंबर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसमें कहा गया उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे परमात्मेति च उपयुक्तो देह अस्मिन् पुरुषे पर। इसका ट्रांसलेशन है कि तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, यानी परमात्मा जो ईश्वर है, परम स्वामी है, क्योंकि भगवान का ही एक्सपेंशन है ना, भगवान का ही विस्तार है, तो वो ईश्वर भी है, परम स्वामी भी है, और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है। साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, उपद्रष्टा यानी साक्षी, अनुमंता यानी अनुमति देने वाला, और जो परमात्मा कहलाता है। तो यहाँ पर, यहाँ परमात्मा को साक्षी और अनुमंता बोला भगवान श्री कृष्ण ने। साक्षी का मतलब क्या है कि आप अपने मन से, कर्म से, वचनों से जो कुछ कर रहे हो, सब कुछ वो परमात्मा साक्षी है उसके, परमात्मा नोट कर रहे हैं। आप अपनी हरकतों को, अपने कर्मों को संसार भर से छुपा सकते हो, प्रशासन से छुपा सकते हो, पुलिस से, सरकार से, कोर्ट से, जज से, सबसे छुपा सकते हो, लेकिन परमात्मा से नहीं छुपा सकते। कई चीजें हैं जो, वैसे तो क्या है कि बहुत सारे जो सब कुछ नोट करते हैं, भागवत में कहा गया है सूर्यो अग्नि खम मरुदेव सोम संध्या अग्नि दिश कम कु स्वयं धर्म इति हेते देह से साक्षी है। देह के साक्षी बहुत सारे हैं, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, देवताएं हैं, और दिशाएं हैं, सारी दिशाओं के दिक्पाल है, रात्रि है, दिन है, तो ये सब कुछ हमारे देह के साक्षी है, नोट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई चीजें होती हैं जो आप उनसे छुपा सकते हो, जैसे आप अपने मन के विचार, मन की इच्छाएं, वो छुपा सकते हो, लेकिन वो चीजें आपको पता होती हैं। लेकिन कई चीजें वो होती हैं जो हमें भी नहीं पता होती, वो फिर परमात्मा को लास्ट, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट प्राइवेट डिटेक्टिव, सबसे खतरनाक प्राइवेट डिटेक्टिव परमात्मा, क्योंकि कई चीजें आती हैं जो ना तो इनको पता है ना हमें पता है, बल्कि वो सिर्फ परमात्मा को पता है। जैसे कि हमारे जो अनंत काल की, अनंत जन्मों की यात्रा चली आ रही है, ये कंप्लीट यात्रा परमात्मा को पता है, कौन से जन्म का, 10,000 पुराने जन्मों का हमारा वो एक कर्म अभी तक बचा हुआ है, वो उनकी भई में हिसाब लिखा हुआ है, समय आने पर दिलवा देंगे। ये इतने जबरदस्त प्राइवेट डिटेक्टिव है, तो इसलिए बोला गया इनको प्राइवेट डिटेक्टिव। सारी संपूर्ण यात्रा हमारी कंप्लीट इनको नॉलेज है, सब कुछ पता है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते इनसे, कुछ भी नहीं छुपा सकते, है ना। कई बार हम देखते हैं कि किसी बेचारे निर्दोष व्यक्ति को सजा मिल जाती है ना, होता है ना, कई बार होते हैं मूवीज में भी कई बार दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति निर्दोष नहीं है, उसके उसके प्राइवेट डिटेक्टिव से पूछो, इसके पास उसका सारा हिसाब है, वो बताएंगे इसका कब का क्या पेंडिंग चल रहा है, कब का क्या हिसाब किताब है, वो बताएंगे, है ना। तो इस तरीके से प्राइवेट डिटेक्टिव हमारा साक्षी है, पूरा हिसाब रखते हैं, क्या क्या पेंडिंग चल रहा है, सब इनके पास हिसाब है, कौन सा फल, कौन से कर्म का फल मिला, नहीं मिला, कौन सा बाकी है, कौन सा पूरा हो गया, कंप्लीट हिसाब किताब है। भीष्म पितामह जब शहरशैया पे थे, तो महाभारत में वर्णन आता है, तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं जो मैं अपने 100 जन्मों को, पिछले 100 जन्मों को देख पा रहा हूँ, और मुझे पूरे 100 जन्मों का याद है, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो मुझे इतनी ये शहरशैया पे लेटना पड़ रहा, तो क्या कारण है। तो भगवान बताते हैं कि आप 100 जन्म देख पा रहे हो, मैं आपका 101वां जन्म देख पा रहा हूँ। तो भीष्म पितामह, हम तो भीष्म पितामह है नहीं, हम तो 100 के, हम तो पिछला जन्म भी नहीं देख सकते, लेकिन कोई इतनी प्रतापी आत्मा है, बहुत ऊंची भक्त भीष्म पितामह जैसी, वो भी 100 जन्म देख पा रही है, और उनको भी भगवान कह रहे हैं कि आप 100 देख पा रहे हो, मुझे 101वां भी पता है, और 101वां क्या, उससे भी पहले के सारे पता है। तो 101वें में आपने कुछ गड़बड़ हो गई थी आपसे,
आपके रास्ते एक करकेटा पक्षी था, वो टकराया, आप कहीं जा रहे थे, आप धर्मात्मा राजा थे, आपके रास्ते एक करकेटा नाम का पक्षी टकराया, आपके रथ में गिर गया, आपने अपने बाण से उठा के उसको झाड़ियों में फेंक दिया, साइड में फेंक दिया, साइड में फेंक दिया, तो वो कटीली झाड़ियां थी और वो तड़प तड़प के मरा। तो वो पेंडेंसी चल रही थी 101वें जन्म से, तो उसका ये थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो असली जो प्राइवेट डिटेक्टिव है वास्तव में वो ये परमात्मा है। कब का हिसाब कब चुकता करवा रहे? देखो, आत्मा इस शरीर में प्रवेश करी फल खाने के लिए, पुराने कर्मों के फल खाने के लिए, लेकिन परमात्मा साथ साथ में किस लिए आए? खाली आपको देखने के लिए और आपको फल खिलाने के लिए। कौन से फल खाने, कौन से के लिए आप योग्य है, कौन से अभी पेंडिंग रखने हैं, कौन से पेंडिंग चल रहे थे जिनको खिलाना है, ये सारा कार्य करवाने के लिए परमात्मा साथ साथ चल रहे हैं, कॉन्स्टेंट कंपेनियन। इसके बाद में जो दूसरा इम्पोर्टेंट वर्ड था 13वें अध्याय का 23वां श्लोक, दृष्टानुमंता वाला जो भी हमने पढ़ा, उसमें भगवान कह रहे हैं परमात्मा को अनुमंता, यानी कृष्ण जो है वो अनुमति देते हैं जीव को भोग करने की, है ना, अनुमंता है वो, भोग करने की अनुमति देते हैं। कृष्णा इतने कृपालु हैं कि आपके हार्ट के अंदर बैठे हैं, और हार्ट को क्यों चुना? क्योंकि जीव की जो इच्छाएं, जीव के अंदर जो इच्छाएं होती हैं वो सारी वहीं हार्ट में होती हैं। तो कृष्णा परमात्मा के रूप में अनुमति देते हैं हमारी इच्छाओं को, ठीक है कर लो, है इस तरीके से, लेकिन फल खाने पड़ेंगे, कर लो लेकिन फल खाने पड़ेंगे। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसको करने की अनुमति कौन दे रहा है? ये परमात्मा दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो क्या इस मतलब ये समझे कि जो गंदे कर्म हो रहे हैं, जो पाप हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, वो भी कृष्ण की अनुमति से? यस, अनुमति तो है परमात्मा की, क्योंकि अनुमंता है, लेकिन पाप करने की अनुमति नहीं, आपकी इच्छा पूर्ति करने की अनुमति है। तो वो भी इसलिए क्योंकि उनका वो वचनबद्ध है, वो प्रतिज्ञा है, उन्होंने सिस्टम ही ऐसा बना रखा, उन्होंने जीव को एक स्वतंत्र इच्छा दे रखी है ना। अब अगर स्वतंत्र इच्छा दे रखी है और आपसे अच्छी अच्छी इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दें, गंदी इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति ना दें, तो फिर स्वतंत्र इच्छा का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई लॉजिक नहीं रह जाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान ने हनुमंता के रूप में बैठे हैं और हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने की अनुमति देते हैं। हालांकि अगर ऐसा, अगर ये सिस्टम गलत हमको लगता है कि भाई ये फिर ऐसा क्यों किया, है ना, तो फिर तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर भगवान हमको शुरू से ही भगवान अपना भक्त बना के भेजते हैं, है ना, फिर क्या मतलब रह जाता स्वतंत्र इच्छा का। लेकिन प्रॉब्लम ये रह जाती है उसके अंदर कि तब हम, अगर भगवान हमारे अंदर एक फीचर डाल के भेजते कि हम अच्छा ही अच्छा करें, भक्ति भक्त बने रहे हमेशा, तो फिर क्या हो जाते हैं हम, एक कंप्यूटर जैसे हो जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर जिसमें क्या है, ना मजा हमें आता ना भगवान को आता। जैसे अगर अगर आपको मशीन रोटियां बना के दे रही है, रोटी बनाने वाली मशीन आती ना, तो ना मशीन को मजा आता है, ना खाने वाले को इतना कुछ आता है, खा लेता है बस। लेकिन अगर माता जी हमारी रोटी बना के दे रही है, हमारी मम्मी रोटी बना के दे रही है, तो मम्मी को खिलाने का आनंद आ रहा है और हमें खाने का आनंद आ रहा है, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा है जीव के अंदर, मशीन के अंदर स्वतंत्र इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान ने हर जीव को एक स्वतंत्र इच्छा दी, और जब स्वतंत्र इच्छा दे दी तो स्वतंत्र का क्या मतलब है? अच्छे भी करे और बुरे भी करे, आपकी इच्छा है, भगवान अनुमति देंगे बस। तो स्वतंत्र इच्छा देने के साथ साथ अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को करने की अनुमति भी देनी पड़ेगी भगवान को। इसलिए भगवान को कहा गया अनुमंता, वरना ये सिस्टम जस्टिफाई नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अच्छे बुरे कर्म करने की अनुमति भी परमात्मा देते हैं, लेकिन वो साक्षी भी है, सब कुछ नोट भी करते जाएंगे, सारा का सारा नोट करेंगे और आपको फल खिलवाएंगे जबरदस्ती। यस, जबरदस्ती आपको फल खाने पड़ेंगे, आप ना भी खाना चाहो तो। जो आपने कर्म किया अच्छा किया, अच्छे फल खाने पड़ेंगे, बुरे कर्म किए, बुरे फल खाने पड़ेंगे। किसी ने, अगर किसी व्यक्ति ने कुत्ते बनने के कर्म किए, तो वो ये सुनिश्चित करेंगे कि आप, कि वो व्यक्ति कुत्ते पिता के द्वारा कुत्ते माता में जाए और कुत्ते का जन्म प्राप्त करे। कर्मणा देव नेत्रण जंतु देह को पत्ते है स्त्री उदर प्रतिष्ठा पुंसा रेत कर्णाश्रय, कि स्त्री के मतलब मादा के गर्भ में पुंसा रेत कर्णाश्रय पुरुष के द्वारा जीवात्मा को स्थापित किया जाता है, और वो कैसे होता है? कर्मणा देव नेत्रण, उसके कर्मों से और देव नेत्रण यानी भगवान की अनुमति से। नेत्रण मतलब भगवान वॉच करते हैं,
इंश्योर करते हैं कि जैसे आपके कर्म थे, जैसे आपकी इच्छाएं थी, वैसा आपको वो वृक्ष मिले, वो शरीर मिले, है ना। तो इसलिए परमात्मा अनुमंता भी है। हालांकि ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा, परमात्मा जब भी किसी कोई जीव गंदी इच्छा करता है तो उसको चेताते हैं ना, उसको बताते हैं कि ये गलत है। इसलिए कई बार उसको करने के बाद खेद होता है, ग्लानी होती है, ऐसा होता है कई बार। लेकिन बार 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 करते रहेंगे वही कार्य, तो फिर वो खेद और ग्लानी है वो भी सुप्त हो जाएगी, इग्नोरेंस में बढ़ जाएगी। ऐसा एक्सपीरियंस होगा, सभी को एक्सपीरियंस होगा। तो ऐसा सभी को एक्सपीरियंस होगा, बार बार करते रहने से, कोई गलत कार्य बार बार करते रहने से धीरे धीरे उसका खेद, उसकी ग्लानी खत्म हो जाती है। जैसे जो आदत है ना, अपराधी होते हैं तो परमात्मा उनके हृदय में भी होते हैं, है ना, वो ही उनको अनुमति दे रहे हैं, साक्षी तो है ही है। तो शुरू में भगवान ने उनको खेद भी दिया था, खेद ग्लानी खूब दी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उस व्यक्ति, उस जीवात्मा ने अनसुना करना शुरू कर दिया परमात्मा को, और अनसुना करना शुरू कर दिया तो फिर वो खेद ग्लानी सब खत्म हो गया। इसलिए गुरु महाराज कई बार बोलते हैं कि जितना कि हमारे जो हृदय में परमात्मा है वो कितने स्फुरित हैं उस पर डिपेंड करेगा। जिसके बहुत कम स्फुरित है ही नहीं बिल्कुल, तो फिर वो उसका खेद ग्लानी सब खत्म हो गया। और जिसके बहुत स्फुरित है वो शुद्ध भक्तों के जैसे होते हैं, उनके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं आती हैं, उनसे कोई पाप नहीं होता। तो सारा परमात्मा का खेल है ना? और इसलिए भगवद गीता में अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान से कि क्षेत्र क्या है। तेरहवें अध्याय में आप पढ़ेंगे प्रगति पुरुष और चेतना, पूर्व जी कल बता भी रहे थे कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि क्षेत्र तो है ये शरीर तुम्हारा, हर एक का शरीर, ये मेरा क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है, क्षेत्र तो ये हो गया। और क्षेत्रज्ञ क्या हो गया, क्षेत्रज्ञ हो गया क्षेत्र को जानने वाला, है ना। और कौन जानता है क्षेत्र, क्षेत्र को, शरीर को कौन जानता है? एक तो आत्मा जानती है, आत्मा जानती है ना शरीर को, आपके पैर के अंगूठे में चोट लग गई तो आत्मा जानती है कहाँ चोट लग रही है, कहाँ चोट लगी हुई है, कहाँ दर्द हो रहा है, नॉलेज है पूरी। तो उसी तरीके से एक तो आत्मा जानती है, आत्मा क्षेत्रज्ञ हो गई, और एक परमात्मा जो बैठे हुए हैं, एक लोकल हो गया आत्मा और ग्लोबल हो गया परमात्मा, परमात्मा को भी सारी नॉलेज है, उनको भी सारा पता है, वो भी क्षेत्रज्ञ। बल्कि डिफरेंस ये है कि आत्मा को लोकल क्षेत्र का पता है, लोकल इसलिए बोला क्योंकि हमारे हमारे क्षेत्र का पता है। आपके शरीर में कहाँ चोट लगी हुई है, कौन सी उंगली में दर्द हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन परमात्मा को वो ग्लोबल क्षेत्रज्ञ, उनको मेरे शरीर का पता है, आपके का पता है, समस्त शरीरों का पता है, शरीरों का कण कण का उनको हिसाब किताब पता है। हमने शुरू में देखा उनको शिरोदक्षय विष्णु क्यों कहते हैं, क्योंकि कण कण में वो प्रवेश कर चुके हैं, कण कण के अंदर समाये हुए हैं, तो उनको सारा नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है। दो लोग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं और आप एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मेरी आंखें से हमारी, दो आंखें मेरे पास, दो आंखें आपके पास, दो पैर, दो हाथ, सब कॉमन है, कान नाक सब कॉमन है, लेकिन सुख दुख का जो भोग है वो कंप्लीटली डिफरेंट चल रहा है आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव बैठे हुए अंदर, ये सारा हिसाब किताब रख रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं कि अगर आपने आम के बीज बोए थे, कोकुलारन ने आम के बीज बोए थे तो आम के फल खाए, और अगर इसने करेले के बीज बोए थे तो करेले के फल खाए, और अगर नीम के बोए थे तो नीमोलियां खाए बैठ के, क्योंकि वो ये इंश्योर कर रहे हैं। बाहर से हम सेफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अंदर वो क्षेत्रज्ञ बैठा हुआ है, जो सारे क्षेत्रों का ज्ञाता है, सारे क्षेत्रों का उसके पास हिसाब है, वो ये इंश्योर कर रहा है कि हम क्या सुख दुख भोगेंगे, है ना। इसलिए कई बार आपने महाराज से सुना होगा कि परमात्मा भक्त वत्सल नहीं है, कई बार बोलते हैं महाराज भक्त वत्सल नहीं है, इसलिए परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो। ये कैसे हैं, एक जज के जैसे हैं, जज होता है ना न्यायाधीश, उसके जैसे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल दे देंगे। जज कभी कोई अकारण कृपा नहीं करता, जज के सामने एक अपराधी को लाया, एक व्यक्ति को लाया गया, एक साइड बोल रही है अपराधी, एक साइड बोल रही है अपराधी नहीं है। अब जो प्रूफ जैसे आएंगे, जैसे साक्ष, जैसे वो गवाह आएंगे, उसके हिसाब से वो बोल देगा हाँ अपराधी है या अपराधी नहीं है, कोई अकारण कृपा नहीं। तो ये जज के समान है परमात्मा जो है, ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव है। हालांकि ये पूजनीय है,
क्योंकि कृष्ण के अवतार है, विष्णु का अवतार है ना, पूजनीय है, लेकिन इनकी उपासना करने का कोई बहुत फायदा नहीं है, क्योंकि कृपा वैसे करेंगे ही नहीं। उपासना होती है इनकी, वदन थी तस्विदम तत्व ज्ञान अद्वयम ब्रह्म इति परमात्म इति भगवान इति शब्द थे, तो तीन रूपों में बताया भागवत में कि परमात्मा रूप में भी उपासना होती है, योगी लोग ध्यान करते हैं परमात्मा का। छठे अध्याय में गीता में भगवान ने बताया है कि कैसे ध्यान करना है परमात्मा के ऊपर, है ना, हृदय के अंदर कैसे ध्यान करना है, और वो ये भी बोला कि सफल होएगा तो मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन रास्ते में प्रॉब्लम इतनी आ जाएगी ना, रास्ते में सिद्धियां इतनी सारी मिल जाएगी, अष्ट सिद्धियां, अणिमा लघिमा ईशिता वशिता ये वो फलाना ढिमकाना, आठ प्रकार की सिद्धियां मिल जाएगी कि वहीं फंस जाएंगे, है ना। सिद्धियां मिलती हैं, कंपल्सरीली मिलती हैं परमात्मा के ध्यान करने के मार्ग में, लेकिन मिलती क्यों है, जैसे हनुमान जी ने सिद्धियों से भगवान की सेवा करी इसलिए मिलती है। अणिमा हो गए थे ना भगवान जब लंका प्रवेश करते, छोटे से हो गए थे अणिमा सिद्धि, और हाथ दे के कहीं से भी खींच के कुछ ले आते थे प्राप्ति सिद्धि, तो बहुत तरह की ऐसे आठ प्रकार की सिद्धियां होती है, लेकिन मिलती क्यों है, परमात्मा को भजने वाले को, ताकि सेवा में यूज कर सके, लेकिन क्योंकि उसका सेवा का कोई भाव नहीं है, भगवान के चरणों के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वो इनमें ही फंस के रह जाते हैं, और ये कुशलता करने आते नहीं है परमात्मा। ये तो क्या है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, इनका ये सिस्टम है। भगवान फिर भी अपने भगत को बचा लेते हैं गिरता है तो, लेकिन ये बचाने नहीं आते, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं भागवत में, ये अन्य अरविंदाक्षी मुक्त मानी नई भावात अविशुद्ध बुद्धे आरुह्य कृच्छेन परम पदम तथा पतंति अधो अनादर युष्मदंत। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे भगवान, जो जितने भी लोग हैं ये योगी ज्ञानी ध्यानी, ये व्यक्ति कितने ही ऊंचे पहुंच जाए, जैसे परमात्मा की ध्यान उपासना करने वाले योगी लोग कितने ऊपर पहुंच जाए, इनको आठों प्रकार की सिद्धियां मिल जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन जाए, लेकिन क्योंकि इन्होंने आपके चरणों का अनादर किया, आपके चरणों का ध्यान नहीं किया, मतलब सेवा नहीं करी, सेवा का कोई मूड नहीं है, इसलिए ये लोग गिरेंगे नीचे 100% गिरेंगे। इसलिए हमारे महाराज कई बार बोलते हैं परमात्मा की उपासना करने की जरूरत नहीं है, कृष्णा की उपासना करो, वो उठा लेंगे गिरे हुए को भी, लेकिन ये गिरते हुए को नहीं उठाएंगे, और गिरना तय ही है, ऑलमोस्ट तय है, बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भगवान के चरणों का ध्यान नहीं किया, भगवान के चरणों की सेवा नहीं करी। जब चैतन्य महाप्रभु का राय रामानंद जी से संवाद चल रहा है तो महाप्रभु पूछ रहे हैं देह मध्य जीवे र कर्तव्य कौन ध्यान, कि ध्यान लोग ध्यान करने में लोग बड़े आसक्त रहते हैं, बहुत ध्यान करना चाहते हैं, जो भी आध्यात्मिकता के पथ पे चलना चाहता है ज्यादातर ध्यान से आकृष्ट होते हैं। आप अभी भी देख लो भक्त लोग कितने और अध्यानी कितने हैं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ध्यानी बहुत ज्यादा है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि देह मध्य जीव रे कर्तव्य कौन ध्यान, ध्यान किस चीज का करें, कर तो रहे सब लोग लेकिन किस चीज का करें। तो राय रमानंद कह रहे हैं कि राधा कृष्ण पादाम्बुज ध्यान प्रधान, कि सारे ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों का ध्यान करना। चरणों का ध्यान करने का मतलब चरणों की सेवा करना, और चरणों का ध्यान भी करना, एक्चुअली ध्यान करना, चरणों में चिन्ह है उनके, लेकिन क्योंकि ये चरणों से आसक्त नहीं होते भगवान के योगी लोग जो परमात्मा को भजते हैं, इसलिए वो गिर जाते हैं। तो अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, अब हमने परमात्मा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वो साक्षी हैं, सारा नोट करते हैं, है ना, और फिर इंश्योर करते हैं कि जो आपने किया है उसका फल आपको मिले, अच्छा किया अच्छा मिले, बुरा किया बुरा मिले, जो भी मिले लेकिन मिले जरूर, ये सारा नोट करते हैं, वो अनुमंता है, अनुमति भी करने की वही देते हैं, उनकी सैंक्शन के बिना हो नहीं सकता, अगर उनकी सैंक्शन नहीं होगी तो फिर स्वतंत्र इच्छा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए उनको अच्छी और बुरी दोनों कार्यों के लिए सैंक्शन देनी पड़ती है। पूरे कार्यों के केस में वो खेद भी देते हैं आपको, ग्लानी धरते हैं आपके अंदर, और बार बार अगर करते रहेंगे तो वो ग्लानी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, परमात्मा स्फुरित अवस्था में नहीं रहेंगे। और फिर हमने देखा कि इनको क्षेत्रज्ञ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी हमारा तो है ही नॉलेज और सामने वाले का भी, सारों का नॉलेज है उनको, सब जगह विराजमान है, सबका नॉलेज है। और फिर हमने देखा कि इनकी उपासना नहीं करनी चाहिए, क्यों, इनके पास उपासना कर सकते हैं, पूजनीय है, कर सकते हैं, लेकिन भगवान की उपासना, भगवान श्री कृष्ण रूप में भगवान की उपासना करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनके अंदर भक्त वत्सलता है, परमात्मा के अंदर भक्त वत्सलता नहीं है, वो एक जज के समान है कि आपने जो किया वो आपको दिलाना है बस, वो कोई कृपा आप पे करेंगे नहीं।
वैसे वो पूजनीय उपासनीय है, लेकिन वो आपके कृपा करने वाले हैं नहीं। अब हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, ये मैंने आपको समअप भी कर दिया। अब एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था कि हाय कृष्ण इतने गंदे हैं कि हमारी प्राइवेसी कोई रख हमारी कोई प्राइवेसी ही नहीं रखी उन्होंने, पूरी की पूरी हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं एक एक चीज में। अब क्लास पूरी हो गई, अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या कृष्णा वास्तव में कृष्णा ने ये कोई हार्श मतलब थोड़ा सा टफ टफ कार्य किया है, ये थोड़ा सा जैसे हम कई बार बोलते हैं ना क्रूर प्रकृति, भगवान को कई बार सख्त निर्णय लेने पड़ते हैं, तो क्या वास्तव में ये भगवान का कोई सख्त निर्णय कि भगवान ने परमात्मा रूप में हर जगह भगवान विराजमान है, सब जगह नोट कर रहे हैं हमारा अच्छा बुरा अंदर बाहर, कोई प्राइवेसी नहीं, सब नोट कर रहे हैं, तो बताइए क्या है, कौन बताना चाहेगा? ओके एक आंसर आया, बाकी लोगों को शायद समझ नहीं आया। भगवान नहीं रहेंगे फादर शुड ओके भगवान नहीं रहेंगे तो हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। ओके वो ठीक है बात, ही वॉन्ट्स अस टू नॉट टू डू बैड कर्मास, वो भी ठीक है। तो हम अच्छे के मैं बताता हूँ, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमारा क्या क्वेश्चन है कि क्या भगवान इतने क्रूर हैं, इतने निर्दयी हैं कि उन्होंने हमारे पीछे एक एक प्राइवेट डिटेक्टिव छोड़ा हुआ है। प्राइवेट डिटेक्टिव को हम जैसे मूवी में दिखाते हैं बड़े नेगेटिवली लिया जाता है, सबको नोट कर रहा है ना, लेकिन भगवान ने वास्तव में ऐसा कोई क्रूर निर्णय नहीं लिया, कोई गलत बात नहीं इसमें, बल्कि भगवान ने हमारे ऊपर एक कृपा करी है, ये भगवान की भक्त वत्सलता का ही एक एक सैंपल है कि उन्होंने हमारे साथ एक एक परमात्मा छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं, क्यों क्यों कैसे ये इसको हम कृपा बोल सकते हैं, कैसे भक्त वत्सलता बोलते हैं बोल सकते हैं, क्योंकि एक तो भगवान हमारे सबसे क्लोज हो गए है ना, सब जगह साथ साथ जा रहे हैं, इस रूप में अगर देखें तो भगवान भक्त वत्सल है, कृपा है भगवान की कि उन्होंने अपना एक विस्तार हमारे साथ इंडिविजुअली दे रखा है ना। और दूसरा कि ये आपको भगवान इसके माध्यम से परमात्मा के माध्यम से आपको आपके सारे कर्म फल दिलवा रहे हैं ताकि आपका अकाउंट क्लियर होता रहे। बिना कर्म फलों को भोगे हम ये जो 84 लाख योनियां है इनको पार नहीं पा सकते, तो ये जो परमात्मा ये इंश्योर कर रहे हैं कि आपको सारे कर्मों के फल आपको खाने को मिले, तो ये भगवान की कृपा है वास्तव कि उन्होंने एक परमात्मा छोड़ हमारे पास बिठा दिया है जो सारा नोट कर रहे हैं, जो इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा एक भी कर्म जो है बिना फल भोगे ना बचे, और फिर गलत और फिर ये देखो हमको हमारी इच्छाओं की अनुमति भी देते हैं, ये भी कृपा है, और हम गलत इच्छा करते हैं तो हमें खेद भी देते हैं, हमें ग्लानी भी देते हैं, हमारे हृदय के अंदर ग्लानी भी देते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये जो परमात्मा हमारे हृदय में बिठाने का भगवान का कार्य है ये अच्छा है हमारे लिए, ये भगवान की वत्सलता है, भगवान की कृपा ही है। तो ये जो प्राइवेट डिटेक्टिव है वास्तव में बहुत अच्छा है। तो हमने पूरा क्लास समझ ली और प्राइवेट डिटेक्टिव का मतलब समझ लिया कि भगवान श्री कृष्ण का प्राइवेट डिटेक्टिव जो उन्होंने हमारे ऊपर छोड़ रखे हैं वो हैं परमात्मा, हमारे हृदय में विराजमान है साक्षी के रूप में, अनुमंता के रूप में, साक्षी के रूप में सारा नोट कर रहे हैं, अनुमंता के रूप में सैंक्शन दे रहे हैं, जब हम गंदी इच्छा करते हैं गंदी इच्छा को पूर्ति करने की सैंक्शन देते हैं, अच्छी इच्छा करते हैं अच्छी इच्छा को पूर्ति करने की सैंक्शन देते हैं, अनुमति देते हैं, है ना। और फिर हमने देखा कि जज के रूप में है जो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दे देंगे, कोई भक्तवत्सलता का भाव नहीं है, भक्तवत्सलता का डिपार्टमेंट ठाकुर जी का है, भगवान श्री कृष्ण का है, इनका नहीं है, इसलिए ज्यादा परमात्मा की उपासना में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, रास्ते में सिद्धियां विद्या मिलेंगी गिर जाएंगे उन सिद्धियों में पढ़ के। तो ये सारा आज कॉन्सेप्ट हमने देखा और इसी के साथ समय हो गया है 8:50, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हिरदेव परेश गुरु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो कुछ मेरी त्रुटियां हुई हो तो प्लीज उनको क्षमा करते हुए और उनको सुधार दें। हरे कृष्णा दनत नाम जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु नाथ जय आप सभी भक्तों की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु, धन्यवाद आपका प्राइवेट डिटेक्टिव सब्जेक्ट के लिए, एज यूजुअल आप क्लास को सुंदर बताते ही हो और आज भी आपने अच्छा बताया, धन्यवाद आपका। तो बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर टॉपिक है प्राइवेट डिटेक्टिव, मतलब हमारे अंदर बैठे परमात्मा जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, और प्राइवेट है और साथ में डिटेक्टिव है, प्राइवेट है मतलब हमारे है, कोई और किसी के नहीं है परमात्मा। और दूसरा जैसे परा आत्मा, आत्मा के लिए परा आत्मा,
परात्मा किसके है, क्योंकि परात्मा परमात्मा के हम अंश है, तो इसका मतलब हमारा भगवान से एक तो डायरेक्ट संबंध है, लेकिन भगवान परम है, हम परम नहीं है, ईश्वरम परम कृष्ण। तो पहले तो ये समझे परमात्मा के कार्य क्या है। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में उपद्रष्टा अनुमंता, अनुमंता मतलब अनुमति देने वाला, उपद्रष्टा मतलब साक्षी है, और भर्ता स्वामी है, भोक्ता परम भोक्ता है, महेश्वर है मतलब परम ईश्वर है, आगे बोलते हैं परमात्मा और सबसे बड़ी आत्मा है उसी को परमात्मा, और अपि देह अस्मिन पुरुषोत्तम, और पुरुषोत्तम मतलब अस्मिन और परमात्मा कहलाते हैं, परम पुरुष कहलाते हैं, तो यही परम पुरुष कहलाते हैं कौन, परमात्मा। तो इसी क्वेश्चन में इसी श्लोक में आंसर है कि परम पुरुष और परमात्मा में कुछ फर्क है, ठीक है ना। तो आप अगर ध्यान से इसको देखो श्लोक को, तो यहाँ पे आखिरी में पुरुष बोल रहे हैं, तो पुरुष किसके लिए बोल रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं भगवान के लिए, पर पुरुष, पुरुष पर दिव्य भोक्ता, भगवान पर मतलब होता है दिव्य, पर मतलब पहाड़ी जगत के पार, तो भगवान। और तो इससे पहले अगर हम इस श्लोक को इसको समझे कॉन्सेप्ट को, तो पहले समझ लेते हैं कि प्राइवेट डिटेक्टिव के काम क्या है। सबसे पहला काम है प्राइवेट डिटेक्टिव है साक्षी है, मतलब वो विटनेस है। दूसरा काम है वो आपको अनुमति देने, वो आपको कोई काम करना है ना अंदर से, तो आपको भगवान अनुमति देते हैं, परमात्मा रूप में देते हैं। कोई भी आप आध्यात्मिक काम करोगे, भगवान की सेवा करोगे ना, तो आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो एकदम से बड़े बड़े काम कर लेगा, परमात्मा की अनुमति और उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त होती है हमारे अंदर। क्योंकि वास्तव में आप कहोगे आत्मा में अपनी शक्ति, अरे आत्मा भी तो परमात्मा का ही अंश है, तो परमात्मा ही तो आत्मा को शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके अंश है। भगवान कहते हैं गीता ममे वांशो जीव लोके, तो भगवान साक्षी बनते हैं, भगवान अनुमति देते हैं, भगवान ही ईश्वर है, भगवान ही भोक्ता है, ठीक है ना, भगवान ही अनुमति देने वाले हैं। तो ये सारे काम परमात्मा करते हैं, भगवान सारे ये सारे काम अपने लिए करवाने के लिए परमात्मा को नियुक्त करते हैं, हमारे लिए प्राइवेट डिटेक्टिव यूज करते हैं, जो हमारे से सारे काम करवाते हैं, हमारे को साक्षी बनते हैं, हमें अनुमति देते हैं और प्रूफ करते हैं कि भोक्ता कोई और है, आप नहीं हो, ये हमें अनुमति मिलती है, और ईश्वर और कोई है, आप नहीं हो, तो ये सारे काम करते हैं। इसलिए परमात्मा की अनुमति के बिना, जो कहते हैं ना भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, वो इसीलिए क्योंकि भगवान कौन है, अनुमंता है, अनुमति देने वाले। यहाँ पे प्रभुपाद जी देखो पर्पट में लिख रहे हैं, परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव मुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है, जीव अनंत है और भगवान उन सबों के मित्र स्वरूप, अनंत अनंत जीव है लेकिन भगवान एक ही है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि सबके अंदर सब जीवों के अंदर दो परमात्मा नहीं है, सब जीवों के अंदर एक ही परमात्मा है। जो परमात्मा आपके अंदर है वही परमात्मा मेरे अंदर है, वही परमात्मा तीसरे के अंदर है, वही परमात्मा चौथे के अंदर है, ठीक है ना। लेकिन लेकिन हम लोग इसको समझते नहीं है, तो हम कोई भी गलत काम कर रहे हैं ना, तो समझ लो कि भगवान को पता। आप अपनी बीवी से धोखा कर सकते हो, अपने बच्चों से धोखा कर सकते हो, उपदृष्टा भगवान शाके उसे होंगे नहीं, क्योंकि कोई ना कोई देख रहा है, भगवान को देख ही रहे हैं, परमात्मा के वो भी हमारे हमारी चार चार कदम दूर है, चार कदम दूर बैठी है, हमारे बच्चे हमसे पांच कदम दूर बैठे, लेकिन भगवान कितने दूर बैठे, सबसे क्लोज जो हमारे से पांच कदम दूर है, दस कदम दूर है, बीस कदम दूर है, किलोमीटर दूर है, कोई अमेरिका में दूर है, लेकिन भगवान कहीं भी जाएंगे हमेशा हमारे साथ है, हमेशा, कहीं हमको छोड़ते नहीं है, कहीं हमको नहीं छोड़ते। तो कितना क्लोज है हमके, और हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हम जो हमारे सबसे क्लोज है उसके साथ हमारा रिलेशन ही नहीं है, और अगर है भी तो कौन सा रिलेशन है, तू निराकार है, तू है ही नहीं, तो बेइज्जती हो गई ना, तो क्या हो गई। तो ये इज्जत ऐसा नहीं है कि भगवान को निराकार कह के भगवान की बेइज्जती है, भगवान को निराकार कह के भगवान की बेइज्जती नहीं है, भगवान को निराकार कह के ये कहना कि आप साकार नहीं हो, ये भगवान की बेइज्जती है, ठीक है। निराकार निराकार तो भगवान की आव है, ये कहना बेइज्जती नहीं है कि आप निराकार हो, ये कहना बेइज्जती है कि आप निराकार हो, आप साकार नहीं हो सकते, ये भगवान की बेइज्जती है, ये भगवान की बेइज्जती। इसलिए भगवान उपदृष्ट है, अनुमंत है, आपको सब अनुमति देने वाले। अगर आपको कोई
कार्य करना है, कोई आध्यात्मिक कार्य करने का आपका मन बन रहा है और आप कर नहीं पा रहे हो somehow, मान लो कुछ कुछ भी कार्य आप कर नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो करूं नहीं करूं, अभी हमारा ये है, हम वो ऐसे हम कर सकते हैं नहीं, तो ये अनुमति आपको परमात्मा नहीं दे रहे। और परमात्मा क्यों नहीं दे रहे, आप ये यहाँ पे पॉइंट ही आता है, परमात्मा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि परमात्मा भी भगवान भी सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम स्मृति ज्ञानम अपोनम च, भगवान चाहते हैं कि तुम्हारी इच्छा भी मैटर करे। मैं तो अनुमति, जैसे ही हमारे अंदर इच्छा अच्छे सेवा करके अच्छी इच्छा पैदा होगी तो भगवान अनुमति दे देंगे। इसलिए भगवान सबको अनुमति नहीं देते अपनी सेवा की, भक्तों की सेवा की नहीं देते, भगवान कभी कभी अनुमति दे देते हैं, जब हम सरल होते हैं जब हम शुद्ध होते हैं तो भगवान दे देते हैं कर लो, जब हमारी प्रैक्टिस होती है तो कृष्णा दे देते हैं। इसलिए कृष्णा ही परमात्मा है। वो कुछ किस फॉर्म में आते हैं परमात्मा में, अंगुष्ट वो क्या कहते हैं, अंगुष्ट अंगूठे जितने, वो अलग बात है, किस फॉर्म में आते हैं, साक्षी के फॉर्म में और हमें अनुमति देने की फॉर्म में, ईश्वर की फॉर्म में, परम स्वामी की फॉर्म में। और फिर आगे भगवान बोलते हैं कि देहो अस्मिन पुरुषो पर, और ये पुरुष ही दिव्य पुरुष है, तो इसका मतलब परमात्मा है और एक दिव्य पुरुष और है, वो दिव्य पुरुष कृष्ण है, और उन्हीं की ये कृष्ण की ही एक शक्ति है जो हमारे अंदर परमात्मा रूप में, ठीक है। लेकिन परम पुरुष का एक दिव्य धाम है, न तत्भाषेते सूर्यो न शशास को यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, मेरे धाम में आओ, सर्वश्रेष्ठ है, वहां पे आना, वहां पे रुकना, मेरे साथ बातें करना। तो भगवान की आभा को ज्योति कहते हैं, उस ज्योति आभा से बाहर निकल के अगर आपको सूर्य का कुछ गोला दिखे तो वो परमात्मा है, उस गोले के अंदर जाओगे तो भगवान है, ऐसे हमारे आचार्यों ने बताया, ऐसे हमने आपको बताया। धन्यवाद गोकुलनंद प्रभु, एज यूजुअल यू आर द बेस्ट वी हैव, तुम सुंदर भक्त हो हमारे पास जो सुंदर सुंदर, और ये टॉपिक भी मुझे, ये टॉपिक मेरा नहीं है, ये टॉपिक गोकुलनंद का ही है। उस दिन जब कथा हुई साकार निराकार पे, तो गोकुलानंद मुझे बोलता है प्रभु जी मेरे मन में इस कथा से एक टॉपिक आया। मैंने बोला क्या टॉपिक है, इसने बोला प्राइवेट डिटेक्टिव, तो मैंने बोला थोड़ा बताओ इसके बारे में, तो इसने मुझे बताया कि प्रभु मैं चाहता हूँ ऐसे करे वैसे करे, मैंने कहा वंडरफुल, तो ये टॉपिक अब आप लो। तो फिर मैंने इसको गोकुलानंद को बोला कि तेरे मन में सुंदर विचार आया और सुंदर कथा थी, मतलब विषय सुंदर था, बताया मुझे सुंदर, तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ गोकुलानंद का है, मैं तो बाद में थोड़ा सा बोल दिया, बट ऑल गोरिस टू राधा गोकुलानंद प्रभु, ये सारा कुछ उसका था, उसने खुद डिजाइन किया, खुद उसने प्लान किया, और फिर मैंने थोड़ा सा इसको अभी ऐड किया, और इस क्लास में मैंने इसको कुछ पहले नहीं बताया, पूरा प्रिपरेशन इसका अपना है, तो ये अब एक बड़ा भक्त है और ये सुंदर, मुझे खुशी है कि ये इतना कैपेबल है, ये कर पा रहा है। और तो और ये जयपुर में क्लासेस करता है, मेरे को तो अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले पता चला जब ये दिल्ली आया कि जयपुर में भी ये क्या कहते हैं टॉपिक्स पे क्लासेस करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अलग अलग टॉपिक करते हैं, तो धन्यवाद, ऐसे ही करते रहो, सुंदर कर रहे हो, और भी भक्त कर रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, तो सर्व साक्षी भी अच्छा करता है, वो हमारे पुराने टॉपिक जो हमने लिए हुए उसके ऊपर एक अपनी कॉमेंट्री कर रहा है, वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप करो, हमारे पुराने टॉपिक जो उपदेश के पुराने टॉपिक्स है आप उनको प्रेजेंट करो, आप लोग सब प्रचार करो, जो हमारे उपदेश के टॉपिक्स है ना जो आपको अच्छे लगते हैं उनको सुनो, फिर अपने अपने एरियाज में उसको सुन के नोट्स बना के उसके आगे क्लास दो, सब लोग ऐसा करो, आपको पता है कितना प्रचार हो जाएगा, बहुत प्रचार हो जाएगा। तो ये सर्व साक्षी भी कर रहा है, अति आकर्षणीय सर्व साक्षी कर रहे हैं, वंडरफुल, तो आप सब ऐसा करो, और हमको खुशी होती है आप लोग करते हो। उससे वो पूछती है प्रभु हम आपके टॉपिक यूज कर रहे हैं, मैंने बोला भैया एक नहीं सारे यूज करो, वी हैव अ मूड टू प्रीच द सोसाइटी एट लार्ज, ये मूड है हमारा, ठीक है। और कई यहाँ पे तेलुगु लोग हैं, कई यहाँ पे कर्नाटका के हैं, वो लोग भी क्या कहते हैं तेलुगु मतलब आंध्र, कर्नाटका मतलब कन्नड़, हाँ, तो कन्नड़ में तेलुगु में उन्हीं टॉपिक को अपनी लैंग्वेज में आप सुनकर अपनी लैंग्वेज में अपनी लैंग्वेज वालों को ट्रेन करो, आप लोग पता है कितना बड़ा काम करोगे, कितना कृष्णा को सुख दोगे आप। मैं कहता हूँ जितना खाना जरूरी है, जितना सोना जरूरी है, जितना जितना बड़ी बड़ी पोजीशन लेना जरूरी है, उससे ज्यादा प्रचार जरूरी है, उससे ज्यादा, ठीक है। तो अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग है, कोई उड़िया वाले उड़िया में करे, बंगला वाले बंगला में करे, आप लोगों को हिंदी आती है, हिंदी से आप लिखो और अपनी अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिख के इसको आगे करो,
और आप इसका जो भी है, इसका यश आप लो, इसका सुख आप लो, और लेकिन कृष्णा को सुखी तो करो और हमको बहुत सुख मिलेगा। आप लोग सब प्रचार करो, मैं चाहता हूँ सब लोग प्रचार करें, अपनी अपनी लैंग्वेज में करें, ठीक है? तो सुंदर गोकुलान प्रभु धन्यवाद। ऐसा मूड सब रखो, कोई किसी से घृणा ना करे, सब बांटने का मूड रखो, वो मेरे से बड़ा है, वो मेरे से छोटा है। और एक चीज अपने देखो, गुरु के आगे और मैं आगे बोलना नहीं चाहता कि गुरु के आगे और भगवान के आगे हमें खुल के रहना चाहिए। अगर गुरु के आगे खुल के बात करेंगे तो ज्ञान मिलेगा और गुरु का प्रेम मिलेगा। भगवान के आगे खुल के करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको भगवान की शरणागति मिलेगी। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्त्री को तीन जगह खुलना चाहिए, पति, गुरु और भगवान। पति के आगे खुलेगी तो संतान मिलेगी, गुरु के आगे खुलेगी तो ज्ञान मिलेगा, भगवान के आगे खुलेगी तो भगवान का आश्रय मिलेगा। तो इसलिए खुलना चाहिए, हमें बताना चाहिए, किसी को भी बताना चाहिए कि ऐसा है वैसा है। डोंट कीप चीजों को आधी आधी नहीं करना चाहिए, पूरा बताओ, जितना पूरा बताओगे उतना क्लैरिटी मिलेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, खुल के बताओ, खुल के प्रचार करो, खुल के कार्य करो, ठीक है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर डिवाइन एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। बल्कि मैं इतना कृतज्ञ हूँ, थैंकलेस हूँ कि जब आपके बारे में बोलने का समय आता है तो मेरे शब्द हमेशा ही कम पड़ जाते हैं और मैं कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाया जीवन में आपको कि कितना इम्पोर्टेंट प्लेस है आपका मेरे जीवन में। तो पता नहीं किस दिन मैं ढंग से एक्सप्रेस कर पाऊंगा। ऑल गुड टू यू प्रभु जी, ऑल 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 गुड टू यू। हरे कृष्णा दंड प्रणाम। हरी बोली थी, सुंदर क्लास ले रहे हो, यही एक्सप्रेशन है हमारे लिए और सबके लिए। सुंदर, बस सबको प्रचार करो और जयपुर को, वैसे तो जयपुर मिनी वृंदावन ही है, तो सबको बता दो, इसको गुप्त वृंदावन कहते हैं, है ना? आपको पता है जयपुर को क्यों गुप्त वृंदावन कहते हैं? वृंदावन के जो ओरिजिनल डीटीज है वो सब जयपुर में है। राधा गोविंद देव जी वृंदावन से जयपुर में रह रहे हैं, गोपीनाथ जी वृंदावन से जयपुर में रह रहे हैं, राधा विनोदी गोविंद ओरिजिनल राधा विनोदी वो जयपुर में रह रहे हैं, राधा दामोदर वो जयपुर में रह रहे हैं, राधा नटवर वो जयपुर में रह रहे। ये सारे ओरिजिनल डीटीज है हमारे आचार्यों के। वृंदावन में अगर कोई पुराना डीटी है जो सबसे ओल्डेस्ट डीटी है और जो ओरिजिनेट वहीं का है, जैसे वो एक ही है, वो है राधा रमन। बाकी सारे डीटीज रेप्लिका है। मदन मोहन करौली चले गए, वो भी राजस्थान में। तो वृंदावन में सिर्फ दो ही, एक गोवर्धन में हरिदेव, वो ओरिजिनल डीटीज है, और दूसरे राधा रमन जो वृंदावन में है। बस हरिदेव गोवर्धन में और राधा रमन वृंदावन में। उसके सिवा जितने भी डीटीज है सारे राजस्थान, और राजस्थान में भी स्पेशली जयपुर, पांच डीटीज जयपुर है बड़े बड़े। तो आप समझो कि ये गुप्त वृंदावन इसको बोलते हैं। तो ऑलरेडी इसको उजागर और कर दो, लोगों को और बता दो। हम लोग सिर्फ जयपुर में वो पिंक 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 बाजार देखने आते हैं, त्रिपोलियन बाजार और शॉपिंग और कुर्तियां और मिठाइयाँ, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है वहां पे। तो ये आप सबको प्रमोट कर दो, ठीक है? हरे कृष्णा, और प्रचार करो वहां पे। हरे कृष्णा प्रभु दोनों प्रणाम। तो जी आपके आज्ञा पालन करते रहेंगे, आप सर पे हाथ रखेंगे तो सब हो जाएगा, अदरवाइज सब विजन भी नहीं है हमारा इतना। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, अब आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास थी प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कल मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला मेरे को कि आप तो पूरे मतलब तिलक ये कंठी लगा के ठाकुर जी की बातें करके पूरे जय कृष्णी बन गए। तो मैंने कहा जय कृष्णी हरे कृष्णा, तो वो कहते इसमें और जय कृष्णी में और हरे कृष्णा में क्या फर्क है? तो मैंने बोला इसमें आनंद है हरे कृष्णा में ना। तो प्रभु जी जितना मेरी छोटी बुद्धि से मेरे को मतलब जवाब आया, थोड़ा बहुत मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मतलब जय कृष्ण में जैसे एकाशी नहीं है, तुलसी महारानी नहीं है, राधा रानी नहीं है, तो लेकिन हमारे में तीनों हैं ये, और आनंद ही आनंद है इसमें। तो प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जैसे अब वो फिर दोबारा उन्होंने मतलब कुछ बात मानी और चैंटिंग के लिए तैयार हुए वो कि मैं करूंगा, तो प्रभु जी और क्या बता सकते हैं इसमें मतलब? क्योंकि मेरे को तो जो छोटी सी बुद्धि में ये आया समझ में, मैंने उनको बताने की कोशिश की, तो प्रभु जी ये बताइए प्लीज, ताकि मैं उनको आगे से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद जी। हरे कृष्णा माता जी, दाना प्रणाम। नहीं माता जी, आपने अच्छा बताया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उनका स्तर बढ़ाइए, आप उनको
आपके जो लोग हैं उनको उपदेश पे लेके आइए, वो आपसे फिर और ज्यादा अटैच हो जाएंगे और ज्यादा आपको हेल्प करने के लिए मोटिवेट होंगे। यहाँ पे यही कार्य किया जाता है, आप अपने लोगों को लाएंगे, जो भी प्रचारक अपने लोगों को उपदेश पे लाकर ट्रेन करवाता है वो उसके लिए एक मजबूत पिलर के जैसे खड़े हो जाते हैं और फिर वो मिलके बड़ा सुंदर बड़ा कार्य करते हैं, बड़ा प्रचार करते हैं। तो आपने उनको अच्छा बताया और आप उनको ध्यान, अभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि कई लोग उपदेश के टॉपिक पे क्लास करते हैं, सर्व साक्षी प्रभु जी का बताया और बताया, मैं भी कई भक्तों को ऐसे जानता हूँ जो अपने अपने एरियाज में उपदेश के टॉपिक लेके क्लास करते हैं और उनको एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक्स इतने अच्छे हैं, बताने का तरीका, शास्त्रों का कंप्लीट नॉलेज है और परेश प्रभु जैसे शुद्ध भक्तों के निर्देशन में हो रहा है तो कभी कोई चूक भी नहीं होती, जहाँ होती है प्रभु जी ठीक भी कर देते हैं। तो आप यहाँ लेके आइए, इस प्लेटफॉर्म पे लेके आइए और फिर देखना आप उनकी प्रकृति आपके साथ साथ कितनी सुंदर रहेगी, फिर आप मिलके वो आपके साथ मिलके बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करेंगे। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, कोई अलग से फॉर्मूला कुछ नहीं है कि कुछ बनाएंगे फॉर्मूला और फिर उनको पिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ लाइए, अपने हाथ कनेक्ट रखिए, सब हो जाएगा अपने आप, बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी का नाम। हरे कृष्णा जो है ना उसमें नहीं है और जय कृष्णा में है, और ऊपर से ये दत्तात्रेय जी जो थे ना भगवान के अवतार थे, तो उनके जो भक्त है वो जय कृष्णी है, वो प्याज भी खाते हैं, चाय भी भोग लगाते हैं, कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो वो लोग अभी, लेकिन उन लोगों को ये नहीं कहना कि आप पूरा नहीं करते, आप बोलो कि हरे कृष्णा में श्रीमती राधा रानी हरे है और हरे कृष्णा इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा कृष्ण का जुगल जुगल सेवा का जो शब्द आते हैं जय कृष्णा वाले। इन लोगों की आप मंदिर में जाओगे तो कृष्ण की एक मुरली वाली फोटो होती है, वो मुरली लगा के होती है। ये ज्यादातर जय कृष्ण जोधपुर और उदयपुर साइड में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, उस राजस्थान के उस पार्ट में, वो जो पार्ट है जैसलमेर वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पे जय कृष्ण बहुत ज्यादा है। बाकी जयपुर साइड में और राजस्थान के बाकी भागों में कृष्ण भक्ति है, जो राधा कृष्ण की जुगल सेवा करते हैं, वृंदावन से इंस्पायर्ड है, जो राजस्थान वृंदावन टच करता है उसमें ज्यादातर होगा, जो राजस्थान छोड़ के पंजाब टच करता है या पाकिस्तान टच करता है वहां पर जो है जय कृष्ण ज्यादा, और कहीं आपको जय कृष्ण मिलेंगे नहीं, ठीक है, ज्यादातर लोग वहीं का ही है और गुजरात में है। बाकी पूरे भारत में नॉर्थ इंडिया में सब राधा कृष्ण सेवा करते हैं, या तो राधे राधे बोलेंगे या हरे कृष्णा बोलेंगे, जय कृष्ण बेसिकली वहीं पर है इन दो जगहों में, गुजरात थोड़े बहुत राजस्थान में, जो राजस्थान पंजाब और आपका पाकिस्तान टच करता है, तो ये वहां का, क्योंकि जहां पे ओरिजिनेट होती है ना चीजें तो वहां के कुछ ना कुछ संस्कार आते हैं, क्योंकि दत्तात्रेय वहीं पर हुए थे कच्छ में आसपास, आई डोंट नो कहां पे, तो इसलिए वहां के कुछ ना कुछ होता है। तो लेकिन ये कोई सही विजन नहीं है, प्रभुपाद जी कभी इसको सही विजन बता रहे थे, सही यही है कि राधा कृष्ण, क्योंकि आप देखो ना बलदेव विद्याभूषण जब शास्त्रार्थ कर रहे थे, जब उन्होंने किस पे वो क्या था ग्रंथ लिखा ना, क्या नाम था उसका, क्या नाम था गोकुलनंद, गोविंद भाष्य, जब उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा ट्रांसलेशन था, और उसमें जाकर राधा कृष्ण को स्थापित किया गया, अदरवाइज लोग तो कह रहे थे राधा के साथ कृष्ण के साथ केवल रुक्मणी की ही होनी चाहिए या कृष्ण को केवल अकेला होना चाहिए, राधा रानी के साथ नहीं, उन्होंने प्रूव करा कि भगवान की अंतरंगा शक्ति है और सबको उसमें बीट करके फिर सारे के सारे वैष्णव समाज ने राधा कृष्ण की उपासना शुरू करी, इसलिए उपासना, क्योंकि राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोयो वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण, तो उसको स्थापित किया। तो इसलिए हम लोग जो हमारा वैदिक कल्चर है वो ये बताता है, और आप ये भी बोल सकते हो कि बलदेव विद्याभूषण ने स्थापित किया कि राधा कृष्ण की जुगल सेवा होनी चाहिए, जिसको सबने माना, आदिशंकराचार्य ने भी इस बात को माना, उस समय के जो शंकर आदिशंकराचार्य जो पद पे थे उन्होंने भी माना, सबको कम्पीट करते हुए बलदेव विद्याभूषण जी ने इस सिद्धांत को प्रकट किया, ठीक है। तो ये बात आप कह सकते हो कि हरे कृष्णा में राधा रानी की जुगल सेवा होती है और जय नहीं है, शक्ति के साथ करना चाहिए, जैसे जैसे शिव पार्वती सीताराम, लेकिन लक्ष्मी जी को कृष्ण के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि कृष्ण लक्ष्मी के साथ नहीं रहते, कृष्ण राधा के साथ रहते, और कृष्ण रुक्मणी के साथ रहते हैं नहीं, रुक्मणी के साथ केवल द्वारका में रहते हैं, वो भी लीला के संबंध में, लेकिन उनके हृदय में हमेशा कौन रहता है, उनके हृदय में हमेशा राधा रानी रहती है। भगवान कृष्ण बिस्तर गीला करते थे तो
रुक्मणी को पता चला भगवान बिस्तर गीला करते हैं, टॉयलेट नहीं करते थे बच्चे की तरह, भगवान रात को इतना रोते थे क्योंकि आंसुओं से बिस्तर गीला हो जाता था, जब भगवान का बिस्तर गीला हो जाता था तो सारी की सारी रानियां सत्यभामा रुक्मणी रोहिणी के पास गई, ये राधा राधा करते हुए इतना क्यों रोते हैं? उसने बोला कि राधा से कितना कृष्ण प्रेम करते हैं और तुम्हें कृष्ण की राधा की कथाएं सुनाते हैं। तो रोहिणी ने राधा की कथाएं सुनानी शुरू करी, जैसे पूरी की पूरी लीलाएं गोवर्धन लीला और अन्य अन्य लीलाएं बताने शुरू करी, तो और सुभद्रा को बोला गेट पे बैठ जाओ, कृष्ण और बलराम को अंदर मत आने दो, रानियां कथा सुन रही है, कृष्ण भगवान गेट पे बैठे, सुभद्रा कथा सुनते सुनते मुंह अंदर करके कथा सुनने लगी क्योंकि सुभद्रा का सुनू, कृष्ण बलराम भी वहां पहुंच गए, वो भी अपनी कथाएं सुन रहे हैं। तो तीनों जब ये कथाएं सुन रहे थे तो इनके तीनों के चेहरे ऐसे बन गए, उनको नारद जी ने देखा ऊपर से, तो नारद जी ने बोला वाह प्रभु इतना सुंदर दर्शन, और वही दर्शन आज जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन है, आज से जगन्नाथ यात्रा भी हो रही है तो जगन्नाथ जी का वही सुंदर दर्शन जो उन्होंने किया। तो भगवान के राधा कृष्ण के, उनको आप बोलो राधा कृष्ण की जुगल सेवा का, तो उसके उसकी सेवा उनकी लीलाओं से तो एक और नए भगवान प्रकट हो गए जगन्नाथ जी, तो इसलिए राधा कृष्ण की अलग अलग भक्ति करेंगे तो जगन्नाथ जी प्रकट नहीं होंगे, गौरनीता ही प्रकट हो गए एक ही बने तो ये प्रकट नहीं होंगे, तो राधा कृष्ण की सेवा इतनी इंपॉर्टेंट है इकट्ठी, कृष्ण कृष्ण अकेले फीके है, ना जगन्नाथ जी प्रकट होंगे ना भाव प्रकट होंगे, और जिनके लिए तुम कह रहे हो कि भगवान कृष्ण को रुक्मणी के साथ रखा जाए, तो रुक्मणी खुद ये लीला सुन रही है भैया, रुक्मणी खुद भगवान को ऐसे देखना चाहती है सुंदर जगन्नाथ के रूप में, तो ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, जो कहते हैं ना चर्म चक्षु देखे तार प्रपंच में दिव्य चक्षु देखे तार स्वरूप प्रकाश, इन सब चीजों को समझने के लिए दिव्यता होनी चाहिए, भौतिक बुद्धि से भौतिक अंडरस्टैंडिंग से ये चीज आपको समझ आने वाली है नहीं तो इसलिए उन लोगों को पता नहीं है कि जय कृष्णा बोलना है हरे कृष्णा बोलना, हरे कृष्णा बोलने से आपके जगन्नाथ बोलना पूरा हो जाता है, आपका गौरनिता बोलना पूरा हो जाता है, आपका राधा कृष्णा बोलना पूरा हो जाता है, आपका शिव पार्वती बोलना पूरा हो जाता है, आपका नारायण और लक्ष्मी बोलना पूरा हो जाता है, और कृष्ण रुक्मणी बोलना पूरा हो जाता है, तो इतना दम है भगवान और भगवान की शक्ति का भगवान के साथ नाम लेने में, तो इसलिए हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरी बोल प्रभु जी, बहुत सुंदर बताया आपने जी प्रभु जी, मैंने और उनको लिंक भी भेजा है तो वो बोल रहे थे कि मैं इसको डाउनलोड करके और क्लास करने की कोशिश करूंगा, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर बताया, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हमारे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, देश के बारे में भी हम यहाँ पे बताते हैं सबको, तो प्रभु जी जब हमने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोगों को सबको सबके हमें बताया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो एक ग्रुप में थे उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट भी किया, उन्होंने गीता दान भी अच्छे से किया, लेकिन बाद में उनके मन में ऐसे आने लगा कि ये सारे पैसे मैं खुद ले रही हूँ, उनको ऐसे लगा कि इसमें मेरा कुछ कमीशन बंधा है, और फिर धीरे धीरे जैसे फिर अक्षय तृतीया आई, अक्षय तृतीया में भी सब दान किया था, तो वो एकदम पीछे हट गए कि इसका कोई तो हाथ है, ये अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज करती है ना, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्लास में भी आना बंद कर दिया, तो प्रभु जी ऐसे में अभी उनसे क्या कर रहे हैं प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम प्रभु जी, आप थोड़ा इसके बारे में बताइए प्लीज, इस जगत में ना सबसे इम्पोर्टेंट है किसी का फेथ होना, किसी का फेथ चला जाता है ना तो बड़ा मुश्किल से आता है, ये बहुत ही मुश्किल है, आप उन्हें कहो आप कोई फंड मत दो, ठीक है ना, पहली बात अगर आपने कुछ यूज कर भी लिया भगवान की सेवा में भी कोई 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 आपने कोई पाप नहीं किया, ठीक है ना, तो लेकिन अगर उनको ऐसा लगता है कि तो आप उनको कहो आप कुछ नहीं, आप ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उनको इतना करो को हमें आपसे कुछ नहीं, आपको ऐसा लगता है ऐसा है नहीं, लेकिन मैं अपना मत कितना समझाऊं या आपको नहीं समझा पा रही या कोई भी बात नहीं, आप उस टॉपिक से हट जाओ, उनसे दान लेना बंद कर दो, ऐसे लोग जो दान देते हैं ना संकुचित भाव से उनका दान देने का कोई फायदा नहीं है, दान देने वाले के बाद दान देने वाले को इतना चिंता नहीं करना चाहिए कि वो उस पैसे का क्या करेगा, तो पहले इसलिए कहते हैं दान देने से पहले सोचो, दान दे दिया ना फिर मत सोचो कि वो क्या करेगा, वो उस पैसे का कुछ भी करे इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आपका कोई मतलब नहीं है उससे, वो कुछ भी करे चाहे वो क्या कर रहा है, आपको आपने किसी को कुछ दान दिया आप क्या करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, देने से पहले सोचो
इसलिए बोलते हैं गुरु भी लेना है, गुरु लेने से पहले सोचो कि कौन सा गुरु लेना है। गुरु ले लिया ना फिर कंपैरिजन मत करो, वाला गुरु अच्छा था मैंने गलती करी, अब ले लिया ना परंपरा से या सही है तो अब उसकी सेवा करो। पहले लेने से पहले आप चाहे जैसे होता है ना बीवी आपने शादी करनी है, शादी करने से पहले आप मेहनत करो कि किसके साथ करनी है, इसको पसंद कर रहा हूँ उसको रिफ्यूज कर रहा हूँ। जब शादी कर ली ना उसके बाद तो बस निभाना है और वही आपका आप कल्चर यही रह गया। उसके बाद आपको लगेगा नहीं नहीं वो रिश्ता मिस कर दिया, वो ज्यादा अच्छा था अभी इससे तोड़ के, वो गलत है, वो वल्गैरिटी है, वो नॉनसेंस है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। तो सिमिलरली ऐसे लोग जो दान दे के सोचते हैं उनमें ही प्रॉब्लम है, आप में नहीं है। और दूसरा अगर फिर भी आपको उनका फेथ लेना है, क्योंकि बहुत मुश्किल है फेथ किसी पे, किसी से फेथ हट जाए ना उस फेथ को बनाने के लिए नानी याद आ जाती है, लेकिन फेथ नहीं बनता, बहुत मुश्किल से बनता है, ठीक है। तो इसलिए आप उनको बोलो आप कोई जरूरत नहीं है आपको, आपसे हमको कुछ नहीं चाहिए, आप बस क्लासेस सुनते रहो और मेरी भी मत सुनो, यहाँ पर आओ या किसी और की सुनो। जब वो थोड़ा सीख जाएंगे ना, थोड़ा समझ आ जाएगी ना, जब उनकी बूझ बड़ी हो जाएगी तो उनको समझ में आएगा, ठीक है ना। हमें कभी और कभी भी कोई दान देना कभी चिंता मत करो, दान देने से पहले जिसको दे रहे हो वो योग्य है इसका चेक करो, वो उस दान को योग्यता से खर्च कर रहा है नहीं कर रहा वो आपका मैटर नहीं है, पर योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए उसके आगे वो क्या कर रहा है, उस पैसों का कहाँ यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हमारा बिजनेस नहीं होता। तो देने से पहले देने वाले को भी इसी मति से दान देना चाहिए, वो क्या करेगा बस। हाँ ये जरूर सोचोगे कि किसी ऐसे भक्त को दो जो यूज करना जानता है, ये ना किसी किसी को भी दे दिया, शनिदेव हाथ में दोनों लेके आ गए, तेल का दान ये दान, ये इस तमोगुणी दान है, इनका कोई फायदा नहीं है। भगवान की सेवा के लिए प्रचार के लिए देना चाहिए दान, और दे दिया उसके बाद चिंता नहीं है वो क्या करेगा, अरे वो कुछ भी करे, चाहे वो उसकी फ्रूटी भी है चाहे वो फ्रूटी पिलाए, आपको कोई मतलब नहीं है उसका, यू लीव इट ऑल द नॉनसेंस थिंग, उनको ये समझना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने आपका प्रति उनका फेथ हो गया और हमें चाहिए कि वो भक्त भी बना रहे, तो आप उन्हें बोलो हमें दान वान नहीं चाहिए आपसे, आप ये क्लासेस सुनो, किसी भी तरीके से आप अपना उद्देश्य बना लो कि वो ज्वाइन करे। जब वो सुनेंगे ना श्रवण करेंगे ना तो उनका कल्याण होगा। 90% लोग जो सुनते नहीं है ना, केवल केवल भक्ति करते हैं ड्रामा करते हैं तो वो निकल जाते हैं। इसलिए श्रवण नहीं होगा, शास्त्रों का मत नहीं होगा, और भगवान बोल रहे हैं कि बिना शास्त्र को जाने आप जो भी कुछ सोच रहे हो सब गलत है। कल हम IDC चला रहे थे उसमें भी एक जगह ये चीज उठी थी कि आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपने अगर गुरु के साथ जुड़े हुए हो तो बस आप एक ही योग्यता देखो कि आपने गुरु कौन सा लेना है। अब गुरु ले लिया ना उसके बाद आपको ये नहीं करना कि अब मेरे को मैंने गलती कर दी या कुछ, नो, अब आपको सेवा करनी है। अब आपके अब ये पॉइंट हट गया कि कौन सा मेरे को, अब ये ऑप्शन ही ऑप्शन हटा दो। गुरु लेने से पहले कहते हैं पानी पियो छान के गुरु लो जान के, पहले ले लो, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए उनको अब केवल केवल एक ही सॉल्यूशन है, उनको किसी तरीके से अन्य लोगों से जोड़ो, बेशक आप उपदेश में नहीं जोड़ते, कहीं और भी आप सुनते हो जहां लगता है उनको अच्छा ज्ञान मिल सकता है, उनका ज्ञान भर सकता है, उनकी सेवा भाव पैदा हो सकता है, वहां पे जोड़ो, अब देखना उसके बाद उनका अपग्रेडेशन हो जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू सो मच प्रभु जी, वंडरफुल आंसर। तो यहाँ पे चैट पे क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जय कृष्णी, राम नाम भी नहीं लेते ड्यूटी लाइन है, ड्यूटी लिखा है, ऐसा क्यों? मेरे याचना जय कृष्णा से ही शुरू हुई थी, मेरी यात्रा जय कृष्णी से ही शुरू हुई थी। तो आपकी यात्रा अच्छे भाव से थी माता जी, तो जब अच्छा भाव होता है तो भगवान अच्छी जगह बेटर जगह जोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी क्वेश्चन मुझे आपका थोड़ा समझ नहीं आया, तो जी आंसर करेंगे प्लीज। आप पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए माता जी, आपका क्वेश्चन क्या है? मुझे तो आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, आप क्या लिख रहे हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जय कृष्णा के मंदिर जाया करती थी, मतलब तो मेरी याचना वहीं से ही आरंभ हुई थी, लेकिन जब भी मैं वहाँ राम नाम भजन करती थी तो वो उसका मतलब राम नाम या राधा नाम नहीं लेने देते थे, तो उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है, वो रिजिड है और वो अपने अपने आप को ज्ञान के स्तर में बढ़ाना नहीं चाहते, वो फिक्स हो गए, ऐसे लोग फिक्स हो जाते हैं, बस यही है, सब कुछ यही है। मैं कहता हूँ आप
अच्छा व्यक्ति पता कौन होता है, जो थोड़ा बहुत टटोले भी, हम ये नहीं कहते कि जीवन टटोलने में लगा दो, लेकिन हाँ एक स्टैंडर्ड तक आके टटोलो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जब मैं डिवोशन में आया तो जब मेरे को पता चला कि हरे कृष्ण महामंत्र करना है सब हो जाएगा, तो फिर मैंने महाराज से पूछा, महाराज एक बात बताओ, महाराज से सीधा मुझे आज भी याद है वो जो मंदिर है ना केशवपुरम में, पारे पारे वाला मंदिर, महाराज सीढ़ियां उतर रहे थे तो मैं इतना डिवोशन में नहीं था, सीढ़ियां उतर रहे थे महाराज, मैं महाराज से क्वेश्चन पूछता रहा, महाराज गाड़ी में बैठे तो महाराज के ड्राइवर थे, मैंने ड्राइवर को बोला एक मिनट रुक जाओ, बड़ा गुस्से में मैं महाराज से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो सब लोग देख रहे थे, मैंने बोला महाराज ये मुस्लिम गलत है, सिख लोग गलत है, क्रिश्चियन गलत है, अलग जैनी गलत है, फलाना फलाना जो मेरे माइंड में आया, वो मेरी न्यू डेट टाइम 2006 की बात है। तो महाराज कहते हैं नहीं सब सही है, इसका आंसर मैं आपको अगले हफ्ते दूंगा, आप गीता पढ़ो सेकंड चैप्टर पढ़ो। मैंने कहा ठीक है, अगले हफ्ते महाराज की बहादुरगढ़ में क्लास थी, मैंने सेम क्वेश्चन पूछा, तो महाराज कहते अच्छा अच्छा तुमने पहले पूछा था, तुम ऐसा करो चैप्टर 3 पढ़ो, मैं अभी हफ्ते मेरा यहाँ पे है तो उसके बाद, लेकिन मैंने एज इट इज फॉलो किया महाराज की बात, तो महाराज ने बताया नहीं मुझको, ऐसे महाराज डिले करते रहे, और महाराज उस समय 2 महीने दिल्ली में थे, महाराज का भी बताता हूँ अब, मत मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं बता, क्योंकि महाराज को पता मैं जो बताऊंगा मैं उस पर एक्सप्लेनेशन करूंगा, लेकिन मैंने गीता पढ़ी 2रा अध्याय, मैंने बोला 3रा अध्याय ढंग से पढ़ो, फिर मैंने 4था अध्याय पढ़ो, मैं ढंग से पढ़ता रहा, लेकिन ये मैंने थोड़ा महाराज का हिंदी हिंदी समझो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और समझ ना आए तो महाराज ने एक भक्त का नंबर दिया, इनसे थोड़ा पूछ लेना, मैंने एक दो बार उनको फोन भी किया, उन्होंने मुझे रिप्लाई भी किया, तो फिर धीरे धीरे मैंने जब पढ़ा, फिर मेरा क्वेश्चन का जो स्पीड थी ना, जो जो मेरी इंटेंसिटी थी पूछने की, ऐसा ऐसा मेरी स्पीड स्लो हो गई, मैंने कहा महाराज ऐसा क्यों होता है थोड़ा बताओ, फिर महाराज को लगा मैं सभ्य हो गया हूँ, मेरे अंदर एक विनम्रता आ गई है गीता पढ़ने से माला करने से, मेरा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, तो फिर महाराज ने मुझे समझाया और मुझे समझ में आया, समझ गए, तो ये ऐसे चलता है। तो वो लोगों को अभी वो लोग इतना ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, तो इसलिए वो लोगों में गलती क्या, वो गीता ही नहीं पढ़ते, अगर वो गीता पढ़ेंगे ना तो उनको समझ में आ जाएगा गीता में क्या लिखा है, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे, तो वो गीता नहीं पढ़ते भागवत नहीं पढ़ते, इसलिए वो ऐसे एग्रेशन में रहते हैं। हमारे अंदर जितना भी एग्रेशन है ना डिवोशन करके वो बढ़ता है, क्यों कृष्णा बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं भरते, तो इसलिए भक्ति का अहंकार आ जाता है, सेवा का अहंकार आ जाता है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ भक्ति करेंगे तो सेवा ज्ञान का अहंकार नहीं आएगा। तो ऐसे लोग सिर्फ एक मेंटेनेंस कर रहे हैं, धर्म की मेंटेनेंस भी जरूरी है, धर्म बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ जो बढ़ा वो जितने लोग हैं उनको मेंटेन कर रहे हैं कि वो लोग ज्यादा पाप ना करें, किसी को तो मान रहे, आपको पता है जो कृष्ण राधा कृष्ण को नहीं मानते ना, चाहे वो देवी देवताओं के उपासक है, चाहे वो निराकार के उपासक है, चाहे वो कृष्ण के भी उपासक है, किसी के भी उपासक है, वो सिर्फ अपने आप को क्या करते हैं, मेंटेन कर रहे हैं डिवोशन में, बढ़ नहीं रहे वो डिवोशन, उनकी कोई प्रगति नहीं है, बट जस्ट मेंटेनिंग, जैसे हम लोग अपनी फैमिली मेंटेन करते हैं, हमारी 60,000 की तनख्वाह है, उसमें 20,000 हमने किराए पे रहते हैं, किराए वाले के घर को दे दिया, 15,000 बच्चों की फीस दे दी, 15,000 ऐसे करके कई लोग रहते हैं ना, तो सिर्फ अपनी लाइफ मेंटेन करते हैं और अवसर ढूंढते हैं कभी कुछ टिक्का तुक्का लग जाए, लेकिन वो इसी में खुश रहते हैं कि हमारा जीवन चल रहा है, तो ये ऐसे लोग हैं बस, इनकी प्रगति नहीं हो सकती, और क्योंकि इन्होंने अपने प्रगति के सारे रास्ते बंद कर लिए, इन्होंने सबसे पहले अपने कानों को बंद कर लिया, प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण सोनाम अभाव सरोरु हम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, कान में कथाएं नहीं डालते भगवान की, भागवत नहीं डालते, पूरी भागवत भगवान का पूरा 10वां स्कंद ही गोपियों के साथ है ना, 5 पंचम अध्याय में भगवान गोपियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, भगवान गोवर्धन लीला में भक्तों के साथ कितनी लीलाएं हैं भगवान की, यज्ञ पत्नियों के साथ ब्राह्मण पत्नियों के साथ कितनी लीलाएं हैं भगवान की, है ना, रुक्मणी के साथ भागवतम 84 चैप्टर 84 5 चैप्टर्स, कितना भगवान ने 90 अध्यायों में सारा अपना वृत्रांत, क्या कहते हैं वृत्रांत वितरण बता दिया, तो इसलिए ये लोग बढ़ना ही नहीं चाहते, ये लोग सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, तो आप अगर जीवन को मेंटेन करना चाहते हो तो उनके साथ रहो, और भगवान मना भी नहीं करते, इसलिए भगवान निराकारवादों को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भगवान का एक उद्देश्य है, इस सबके पीछे एक उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है इसका, सब लोग अपने आप को कर्ता नहीं मानते, ऊपर वाला है बस, इतना मानने से भी उनका कभी कल्याण हो सकता है कि अपने आप से कर्ता भाव खत्म कर लेते हैं, होता नहीं है जनरली, सिर्फ बोलते हैं ऐसे कि हाँ ऊपर वाला है, लेकिन करने में आते तो ऊपर वाले को भूल जाते हैं, लेकिन चलो मानते तो है, इसलिए भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान कहते चलो ये कोई सुपर कोई माइटी पावर सुपर पावर मान तो रहे, भगवान उसी में खुश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों का बहुत स्लो प्रोग्रेस रहता है, ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान कहते चलो ऑल माइटी
मतलब किसी को तो मान रहा है, इसका आज नहीं तो कल कल्याण हो ही जाएगा, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर द डिवाइन आंसर। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, गुरु जी बांके बिहारी जी जो है वो ओरिजिनल ड्यूटी नहीं है क्या वृंदावन में? नहीं, वो ओरिजिनल ड्यूटी है लेकिन शायद वो सब दे वाले में नहीं आते, गुरु जी बताएंगे पूरा इतिहास। देखो ये जो बांके बिहारी है ना, ये हरिदास जी की प्रेरणा के स्रोत है। हरिदास जी बहुत प्रेम करते थे भगवान से, तो बस भगवान ने उनको प्रेरणा दी। और बहुत सुंदर भक्त है भगवान के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हरिदास ये स्पेशल है, थोड़ा स्पेशल केस है ये। जैसे हम परंपरा की बात करते हैं तो एक कई कभी कभी जो अनन्य भक्ति करता है, किसी परंपरा में नहीं भी होता, अनन्य भक्ति जो 24 घंटे भक्ति करता है, तो उसका रिजल्ट है ये, वो फिर सारी परंपराओं से बाहर हो जाता है जो 24 घंटे। तो वो हरिदास जी, सूरदास जी ऐसे भक्त है। ये लोगों की मीरा, ये पता नहीं कौन सी परंपराओं में आते हैं, लेकिन ये डिवाइन भक्त है। नरसिंह मेहता, इनका इनका कोई बिजनेस ही नहीं है, मतलब ये इनको कोई डर नहीं है। सामने शेर है ना, ये शेर के साथ भी, शेर है कोई बात नहीं, शेर के पास भी चले जाएंगे। सामने कुत्ते भोंक रहे हैं, 15 कुत्ते, और वो चले जाएंगे, काट ले कोई बात नहीं, तो भगवान के मर जाएंगे, ऐसी स्थिति है इन लोगों की। तो ये लोग डिवाइन पर्सनैलिटीज है, तो इन लोगों के लिए ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए। इनके लिए तो ज्यादा बोलना क्या, सोचना भी बहुत बड़ा अपराध है। ये ऐसे पागल भक्त है, इनको कहते हैं पागल भक्त। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं कृष्णा के लिए। तो हरिदास जी सुंदर भक्त है, लेकिन उनके बाद इनकी एक संप्रदाय चलती है, हरिदास संप्रदाय। वो वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि वो शास्त्रों में नहीं है, उनको कॉपी नहीं कर सकते, आप समझ रहे हो। अब जैनी जो कॉपी करते हैं ऋषभ जी को, लेकिन आप ऋषभ जी को कॉपी मत करो, ऋषभ जी भगवान के अवतार है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस को ही फॉलो करो। फिर वैसे ही हरिदास संप्रदाय बन गई, ऐसे ही जैन संप्रदाय बन गई। आपने आप उसको फॉलो करते हो तो आपको फिर आके ये नहीं है कि आप वो बन जाओगे, वो स्पेशल केसेस है, उनको आप उनकी उनसे परंपराएं मत बनो, ठीक है ना। लेकिन परंपरा चार ही देंगे जो शास्त्र में दी गई, लेकिन वो अनन्य भक्त आप भी बन सकते हो। छोड़ दो सारे घर बार, छोड़ दो, वृंदावन में रहो और मधुकरी करो। खाने को कोई मिलता है तो देता है तो दे, नहीं तो भूखे मरेंगे, क्या हो गया, भगवान में पूरे आश्रित है, खाएंगे ही नहीं, कुछ नहीं मिला तो बस भगवान का नाम ही लेना, काम ही है यह नाम लेना, कुछ और। तो वो उन लोगों का स्टेट है, ऐसी परंपरा कुछ मैटर नहीं करती है ना। कल हमने जब क्लास ली उसमें बोला कि हमें ये करना चाहिए, हमें 16 माला ये, उसके बाद इच्छा, फिर एक और चीज बोली थी मैंने, कृष्ण गुरु की अनुमति सबसे श्रेष्ठ है, बस उसी प्रकार सब कुछ करो, लेकिन जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है उसके लिए कोई नियम नहीं है, बस ऑनेस्ट वाली। मतलब ये नहीं कि कल को आप लोग जाओ इन्हें छोड़ दो, अरे प्रभु जी ने बोल दिया हम भी हरिदास बन जाएंगे, हम भी सूरदास बन जाएंगे, ऐसा नहीं। बिमल मंगल ठाकुर जो थे वो अपने घर छोड़, अपनी बीवी के एक एक वैश्या के चक्कर में अपनी बीवी को छोड़ दिया, मतलब इग्नोर कर दिया। फिर बीवी आ गई तो बीवी में लग गया, बीवी ने बोला, बीवी माँ के घर गई और उसको मिलने के लिए इतनी बारिश में जमुना पार करके उससे मिलने गए और सांप को रस्सी पकड़ के उसके फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गए। तो बीवी कहती है, अरे तू तो बड़ा पागल है, इतना भगवान के लिए किया होता तो तेरा कल्याण हो जाता। ये बात उनके मन में लग गई, बीवी को छोड़ के गाँव, दूसरे गाँव चले गए। अब भगवान की भक्ति करूंगा, भक्ति करनी शुरू करी, भक्ति में प्रगति कर रहे थे, लेकिन फिर क्या हुआ, एक माता जी से आसक्त हो गए, वो माता जी से प्रसाद लेते थे, वो माता जी से आसक्त हो गए। बिमल मंगल ठाकुर को उस माता जी बड़ी खूबसूरत थी, उनसे आसक्त हो गए। फिर फाइनली बिमल मंगल ठाकुर ने सोचा कि बार बार मेरा यही काम हो रहा है, कभी वैश्या, कभी बीवी, कभी एक और नई माता जी, मैं तो पागल हो जाऊंगा, भक्ति कर रहा हूँ फिर भी मेरा दिमाग नहीं हट रहा। उसने दो सरिये छोटे छोटे लिए, अपनी आंख में मान लिया, आंख ही फोड़ ली। कहते सबसे बड़ा क्लेश है आंख, ना ये देखेगी गंदगी, ना ये स्त्री दिखेगी, ना मेरा मन खराब होगा, अपनी आंखें फोड़ ली। ये थे बिमल मंगल ठाकुर, इतने सुंदर भगवान के भक्त है, समझ रहे हो। तो उन्होंने फिर अपनी आंखें फोड़ ली, उन्होंने कहा सारा क्लेश गंदी चीजें दिखती है इसलिए गंदा काम होता है। तो फिर उनको ये सोल्यूशन मिला, भगवान ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। अब आप इनको कॉपी करोगे क्या? कर लो कॉपी, इसलिए इन चीजों को कॉपी मत करो। ये जेनेटिक होती है, भगवान की जेनेटिक है, जैसे कई चीजें परिवार से जेनेटिक मिलती है ना, ये भगवान का जेनेटिक है। तो इनको छोड़ दो, इसलिए चार परंपरा में रहो,
और जो हरिदास की प्रेरणा से बांके बिहारी जी हुए बिल्कुल ही ऑथेंटिक है, इसमें बांके बिहारी का दर्शन करने चाहिए और ये ऑथेंटिक डिटेल। लेकिन हमारे सप्त देवालय में नहीं आते, जो सेविक सेवक भगवान है, सेव्य भगवान है, जिनको आचार्यों ने प्रकट किया, वो अलग चीज है, बस ये फर्क है। ठीक है, बट यू मे गो टू बांके बिहारी एनी टाइम इफ यू वॉन्ट, देर इज नो हैसल एंड पैसल, हम मना नहीं करते। ठीक है, आप जा सकते हो, लेकिन ये सप्त देवालय जो है, गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये सारे जो है दामोदर, ये श्याम सुंदर, ये सारे ऑथेंटिक है। सकते हरिदास बन नहीं सकते, तो इसमें और वहां पे जैसे सिखाया जाए वैसे फॉलो करो। थैंक यू सो मच जी, हरे कृष्णा। तो किसी और भक्त को क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। माता जी का क्वेश्चन है सप्त देवालय, तो सप्त देवालय क्या है? तो माता जी सप्त देवालय सात जो मेन डिटीज है भगवान राधा कृष्ण के, वो सप्त देवालय कहे जाते हैं। जैसे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, ये तीन तो इधर हैं जयपुर और करौली में, और फिर हो गए राधा दामोदर जी, वो भी जयपुर में, और आई थिंक राधा गोकुलानंद जी और राधा रमन जी, एक शायद रह गए, राधा मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमनलाल, राधा श्याम सुंदर। अच्छा राधा गोकुलानंद, जो जो गोकुलानंद तू स्वयं है वो गोकुलानंद को तो भूल गया। राधा गोविंद देव जी, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा रमन, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद और राधा माधव, ये सात है शायद। राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, गोपीनाथ, राधा दामोदर, राधा रमन, तो एक राधा गोकुलानंद जो तेरा नाम है ना गोकुलानंद, एक वो भी है, वो तो भूल गया, अपना नाम ही भूल गया, क्या बात है। राधा श्याम सुंदर, ये आपने याद कर लिया, बस हो गया जीवन सफल। तो ये हमारे गोकुलानंद में से एक है, इनके दर्शन करा करो रोज। ठीक है, हरे कृष्ण। ये आप परेश हैं, सब परम, सबसे ऊपर, सबसे परे, आपके दर्शन से जीवन डिवाइन हो जाएगा। हरे कृष्ण, भाई मायापुर फेमस फॉर डिवोशन, क्योंकि ये हरे कृष्णा मूवमेंट जो है वो वहीं से निकला, चैतन्य महाप्रभु का वहीं पे आविर्भाव हुआ मायापुर में, और वहीं से उन्होंने इस संकीर्तन मूवमेंट का आगाज किया। पहले जो भक्ति सिलेक्टेड लोगों के लिए थी, लोगों की योग्यता कुछ होती थी तो वो भक्ति कुछ कर पाते थे, चैतन्य महाप्रभु ने वहां से चैतन्य मायापुर से चल के द्वार सबके लिए खोल दिया। बल्कि जो जितना पतित होगा, जितना नीच होगा, उतना ज्यादा योग्य माना जाएगा, ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया कि बस नाचो गाओ, भक्त संग करो, संकीर्तन, भगवान का नाम जप करो, प्रसाद पाओ, भक्तों के साथ आनंद करो, संकीर्तन करो, तो ऐसा उन्होंने सिस्टम बना दिया। इसलिए औदार्य धाम कहा जाता है, उदारता, उदारता दिखाई चैतन्य महाप्रभु ने कि सब भगवान का नाम लो, फ्री में बांटा, जैसे रेवड़ियां बांटते हैं वैसे बांटा, तो इसलिए फेमस है मायापुर। और प्रभु जी अभी सुंदर एक्सप्लेनेशन देंगे मायापुर धाम के बारे में, जी आप थोड़ा बताइए प्लीज, आपके डिवाइन वर्ड से बड़ा। मायापुर, मायापुर की, मायापुर की चर्चा मत करा करो बस, मैं तो कहता हूँ मायापुर की चर्चा करते हो तो मेरे को दिक्कत हो जाती है। और मायापुर चैतन्य महाप्रभु का मर्सीफुल धाम है, और मायापुर एक्चुअली भगवान का करुणा धाम है। भगवान कृष्ण आए और भगवान कृष्ण ने बोला सबको कि आप लोग परित्राण साधु नाम विनाश आये दुष्कृतम धर्म संस्थापना था, तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए, और जो पवित्र आत्मा है उनका उद्धार करने के लिए आए, और जो विनाश करना है जो असुर है उनका विनाश करने के लिए। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? पतित पावन हेतु तव अवतार, जो हम लोग पतित है, कलयुग में लोग पतित है, पतित का मतलब है जिसको पता है कि गलत है फिर भी करता है, उसको पतित कहते हैं। हम कलयुग में सारे लोग ऐसे, 99% पॉपुलेशन कलयुग में पतित है, 100% पॉपुलेशन पतित है। तो ये जो धर्म संसार अपनार्थ है, परित्राण है साधु नाम, साधु है ही नहीं, किनका उद्धार करने आएंगे भगवान? और धर्म धर्म खत्म हो रहा है तो धर्म की स्थापना करनी है, तो भगवान ने सोचा मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आता हूँ और एक ऐसी चीज देता हूँ जिससे साधु भी बन जाएंगे, पापियों का नाश भी हो जाएगा और धर्म की स्थापना भी हो जाएगी। तो चैतन्य महाप्रभु आए स्वयं कृष्ण, और जब भगवान क्या कहते हैं कृष्ण रूप में आए तो बोल के चले गए नाम संकीर्तन,
करो और सतत कीर्तन, तो हम बोल के तो चले गए लेकिन करना कैसे बता के नहीं गए। तो भगवान ने कहा मेरा बताना, क्योंकि आप किसी को बोलोगे ये क्वेश्चन कर लो, लेकिन आप पहले सिखाओ तो सही तभी तो करेगा, तो ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, बोलने से थोड़ा है, आप अगर टीचर हो तो आपको सिखाना पड़ेगा कैसे करना है। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान पहले बोल के गए फिर करके खुद करके आके सिखा के गए, और तो इसमें हमारे क्वेश्चन, अगर अगर कृष्ण ही रहते हैं और कृष्ण बोल के चले जाते हैं, हमें सिखा ही नहीं देते, तो हम कैसे करते, अपना दिमाग लगाते गलत करते। तो भगवान ने कहा मैं सिखाने आता हूँ, तो जो सिखाने वाला होता है बहुत बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। एक टीचर बोलती है आप कर लो और एक टीचर बोल सिखाती है, तो कौन अच्छी है, बोलने वाली या सिखाने वाली, आप बताओ कौन अच्छा है। आपको मैं कहता हूँ कि आप ये करो और गोकुलानंद आपको सिखाता है कि ऐसे करो, तो कौन अच्छा है, गोकुलानंद अच्छा हो ना, आपको सिखा रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि करो, करने से क्या, करना थोड़ा, करना आता होता तो फिर बात ही क्या थी, जो सिखाता है वो महान है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी कई गुना महान है, ये भावना होनी चाहिए गौड़िया वैष्णव में। महान नहीं है, एक ही है, लेकिन उनके उनका गुण, उनका सब कुछ बहुत डिवाइन है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करता है वो निश्चित रूप से गोलोक जाता है, निश्चित रूप से सेवा प्राप्त करता है, निश्चित रूप से उदारे दान जाता है। लेकिन जो कृष्ण से प्रेम करता है हो सकता है वो यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि कृष्ण भोगता है, तो कई बार कृष्ण से प्रेम करते करते हमारे अंदर भोगता वाले गुण आ जाते हैं भोगने के। लेकिन महाप्रभु उदार है, सबका कल्याण करने आए, और उनको उनको फॉलो करने वाला सबका कल्याण करेगा, तो उसका कल्याण सबसे पहले होगा। इसलिए जो व्यक्ति महाप्रभु का प्रेमी बन जाता है, इसलिए आप लोग, मैं तो जो मुझसे जुड़ता है मैं तो कहता हूँ महाप्रभु से ज्यादा प्रेम करो, कृष्ण से 1000 गुना ज्यादा, 1 करोड़ गुना ज्यादा। इसलिए मैं कभी फोर्स नहीं करता किसी को वृंदावन जाता है नहीं जाता, लेकिन मायापुर के लिए मैं सबको बोलता हूँ सबको जाना चाहिए। आप एक बार गए हो दो बार गए कोई मैटर नहीं करता, मायापुर जब मौका मिले जाओ, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच गुरु जी, मायापुर का नाम आते ही आप हमें भी गुरुदान दे देते हैं, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्यामनी माता जी का क्वेश्चन है कि कंठी टूट गई थी 2 राउंड वाली, तो 3 राउंड वाली डाल दी तो क्या करें। तो माता जी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई अपराध नहीं है, 3 राउंड वाली डाल दी तो। अब आप चाहो तो इसको खोल के थोड़ा लूज में 2 राउंड ही कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा मत करो कि पहननी नहीं है, वेट करें 2 राउंड मिलने तक का, तब तक आप इसको वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हो, चाहो तो 2 राउंड में कर लो। इस साल वैसे ही आपकी शायद इनिशिएशन है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बाकी थोड़ी एक्सप्लेन कर देंगे। 1 राउंड का मतलब कृष्ण, 2 राउंड का मतलब राधा, और 3 राउंड का मतलब गुरु। जब गुरु कृष्ण और राधा तीनों जीवन में हो तो 3 राउंड की पहन सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग बहुत, और ये श्रवणी माता जी बहुत डेडिकेटेड डिवोटी है, तो शी कैन बी है, वो पहन सकती है। और कंठ से चिपकी होनी चाहिए, लटकी हुई नहीं होनी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, शर्म करते हैं कंठी को, ये कंठ से ही नहीं चिपकी तो कंठी क्या, तो लटकनी नहीं चाहिए, चाहे 3 राउंड की हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग, आप ऑलरेडी आप शेल्टर्ड हो महाराज से, और ऑलरेडी आप अच्छा फॉलो कर रहे हो, तो यू कैन वियर। ओनली दिस इज फॉर यू, नॉट फॉर ऑल, बट आपके लिए अलाउड है कि आप, क्योंकि आप बहुत दूर हो, यू आर इन भैरेन, और वहां पे मुझे लगता है अभी कंठी इतनी जितनी अवेलेबल नहीं भी होगी, तो कंठ से लगी रहनी चाहिए, 2 की जगह 3 राउंड भी हो जाए, तो क्या पता है कृष्णा का ही अरेंजमेंट हो कि आप 3 राउंड पहनो, तो गुरु आपके जीवन में है ही। और लेकिन आप इसको फिर अब थोड़ा डिटरमाइन हो जाना कि हाँ मैंने 3 राउंड पहनी है, देन यू डू मोर सेवा, मोर शरणागति फॉर गुरु एंड आचार्य एंड परंपरा, ठीक है। यू कैन वियर, डोंट वरी। हरे कृष्ण, दिस इज स्पेशली फॉर यू, यू कैन वियर, बिकॉज जो सेवा में है वो कर सकते हैं, और कोई नहीं। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही मैं पूछना चाहता कि जैसे कंठी माला अगर पहनना होता है इसका क्या प्रोसेस है प्रभु जी? हरे कृष्ण, कोई पहन सकता है इसको? हरे कृष्णा। हाँ हाँ प्रभु जी, आप पहन सकते हैं बिल्कुल, आप माला कर ही रहे हैं सब कुछ, जब जुड़ी गए आप आराम से पहन लें, भगवान को एक बार चरणों में लगा के और आराम से पहन लीजिए, इतना प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जरूर। तो यहाँ पे प्रदीप प्रभु का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, आई एम नॉन वेज ईटर, विल माई भक्ति बी एक्सेप्टेड? तो गुरु जी देखिये, कहीं ना कहीं आपको भी तो थोड़ा आभास है कि थोड़ा डाउट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप इसको धीरे धीरे कम कीजिए नॉनवेज को, और जितना जल्दी इसको छोड़ सकें वो अच्छा रहेगा, क्योंकि चेतना कहीं ना कहीं दूषित होती है, भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते, तो नॉनवेज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप हमारे बहुत इकट्ठा हो जाता है नॉनवेज खाने से,
चेतना दूषित होती है, बहुत सारे नुकसान है, तो कहीं ना कहीं भक्ति में हम आगे नहीं बढ़ पाते। अभी थोड़ा बहुत हम सुन रहे हैं आकर्षण की वजह से, लेकिन धीरे धीरे वो भी छूट सकता है, तो आप थोड़ा सा कार्य कीजिए और इसको छोड़ने का प्रयास कीजिए, बाकी सूर्य एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्णा पूरी तरह। भागवतम में एक श्लोक आता है, अहो बस शुभचात गरियम वर्तते जीवाग्रे नाम तुभ्यम। वो कुत्ते का मांस खाने वाला भी पूजनीय, अहो बत शोपत, शो मतलब कुत्ता, पच पचाने वाला, गरिया मतलब पूजनीय, कुत्ते का मांस खाने वाला भी पूजनीय। जीवा वर्तते अग्रे नाम तुभ्यम, जिसकी जीवा के आगे वाले भाग पे भगवान का नाम है। आई डोंट नो आप कहाँ रहते हो, आप किससे जुड़े हो, बट आप भगवान का नाम लेते रहो। और ये नॉन वेज और वेज ये सब चीजें तो हमारा टेस्ट है, गंदे स्वभाव के कारण, गंदे संग के कारण हमें गंदे गंदे टेस्ट लगे हुए हैं, किसी को शराब का, किसी को मांस का। लेकिन अगर आप में भगवान ने थोड़ी सी भी चेतना दी है, तो मांस किनको खाना चाहिए उनके बारे में शास्त्र में बताया, जिनके दांत आगे वाले चार दांत नुकीले हो, शेर की तरह, उनकी तरह, वो हमारे है नहीं। और हमारा लीवर वैसा है नहीं कि पचा सके, हमारे इंटेस्टाइन गोल गोल घूमती रहती है, हमारे इंटेस्टाइन में 32 रोल है, शेर की इंटेस्टाइन में 3 रोल है, खाया पिया कटक करके मल करके निकाल दिया। हम लोग जितना ज्यादा नॉनवेज खाएंगे वो हमारी इंटेस्टाइन में अटक जाता है, धीरे 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 इंटेस्टाइन कैंसर होते हैं, बॉडी के ये हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। हमारे लिए भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मेरा भक्त मुझे पत्र पुष्प खिलाए। हमारे सरल भोजन है, सादा खाने से सादे विचार रहते हैं, मांसाहार खाने से मांसाहारी विचार रहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप कल छोड़ दो, आपको टेस्ट आता है, मुझे नहीं पता किस चीज का टेस्ट है। अगर आपको कोई कहे बकरे को खा लो, काट के कच्चा लगाओ और खा लो, नहीं खा सकते आप, उसे मसाले डालते हो, दबा के मसाला, प्याज, लहसुन, अन्य अन्य टमाटर, फिर अन्य अन्य मसाले, तो वास्तव में ये आपकी भ्रांति है, आप मांस खा रहे हो, वास्तव में मसाले खा रहे हो। अगर आपको मांस अच्छा लगता है तो मुर्गा लाते हैं कच्चा धो के आपको देते हैं, आप खाओ, आप नहीं खा पाओगे, आपको बदबू आएगी, आप खा ही नहीं सकते, तो मसालों के साथ भर के खा सकते हो। तो इसलिए आप बेसिकली अगर आप अगर दिमाग लगाओ तो आप खा मसाले ही रहे हो, लेकिन उसके बाद एक फ्लेवर आ जाता है आपको दबाने का, उसका कुछ अलग सा अनुभव होता होगा, मुझे पता नहीं क्योंकि मैंने कभी मांस नहीं खाया। तो लेकिन अगर आप वही मसाले पनीर में डाल के खाओ, वही मसाले आप आलू में डाल के खाओ, तो भी वही चीज है, मसालों का ही टेस्ट है। तो इसलिए अच्छे मसाले बनाने सीखने चाहिए, आपकी धर्म पत्नी हो या आपका कोई नोन टू हो, उसको अच्छे तरीके से मसालों का सीखो कैसे बनाते हैं। तो इसके ये है, तो मांस का कहाँ स्वाद है, मांस का स्वाद होता तो कच्चा खाओ, लेकिन पनीर का स्वाद है, पनीर आप कच्चा खा सकते हो, आलू का स्वाद है, नमक लगा के आलू खा सकते हो। ये भगवान ने, इनमें कोई स्वाद नहीं है, ये तो कोई टेस्टलेस चीज है, और बल्कि बदबू है इनमें, बदबू, इनको खाओगे आपको बदबू आएगी। तो लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आप छोड़ दो, लेकिन आप एक चीज जोड़ लो, भगवान का नाम जोड़ लो, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर योर एक्सपर्ट आंसर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। मेरे है ना, कहते हैं मन तो ऐसा ही है, मन बहुत चलायमान है और कुछ कुछ सोचता रहता है, लेकिन अभी जैसे ना टॉपिक डिस्कस हो रहा था एक हरिदास ठाकुर का और अनन्य भक्ति का जो परेश प्रभु जी बता रहे थे ना अभी, तो उसी को लेके मैं सुन रही थी, तो एक है ना माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन है ना मैं पूछ रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी मेरी अगर जिज्ञासा जैसी भी है ना, तो आप बेस्ट आंसर देंगे, परेश प्रभु जी बेस्ट आंसर देंगे। तो ये आ रहा है प्रभु जी कि जैसे परंपरा में है हमारे स्कॉन है और बाकी अदर थ्री जो परंपराएं हैं, चारों परंपराएं से परंपराओं में हम गुरु महाराज के द्वारा कृष्ण तक वो हमें पहुंचाते हैं, लेकिन जैसे अभी बताया हरिदास ठाकुर का और ये जैसे अनन्य भक्त थे, ये परंपरा को फॉलो नहीं किया, अनन्य भक्ति में ही इन्होंने कृष्ण को पा लिया, या ऐसे भी हम कह सकते हैं कि कृष्ण ने अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर अपने आप में इनको दे दिया। तो हरिदास ठाकुर ने बाकी बिहारी जी को मतलब इतनी अनन्य भक्ति हो गई प्रभु जी की, मतलब इतनी स्ट्रांग डिवोशन हो गया कि राधा कृष्ण स्वयं एक रूप में बाकी बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। और फिर जैसे है ना सकुबाई है और भक्त में भक्तमाल, जैसे हम सुनते भी है ना कथाओं में भी सुनते हैं हम सकुबाई जनाबाई, ये विठल विठल भगवान की डिवोटीज थे, तो ये भी मेरे शायद पता नहीं मुझे तो प्रभु जी परंपरा में थे या नहीं थे, लेकिन ये भी अनन्य भक्त तो थे ही, तो इनको भी मिल ही गए भगवान। तो मतलब इसका मतलब तो फिर यही मतलब इससे यही समझ में आ रहा है जहां तक मैं अपना ही बता रही हूँ प्रभु जी,
कि भगवान तो फिर मतलब लिमिटेशन से परे हैं, वो तो है ही परे हैं, क्योंकि ऑल जो सिक्स ऑपुलेंसेस भगवान में है तो वो भी है कि वो लिमिटेशन से परे हैं, तो वो मतलब सबको मिल रहे हैं फिर तो, अनन्य भक्त को भी वो प्राप्त हो रहे हैं और जो परंपरा से जा रहे हैं तो उनको भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अनन्य भक्त में बस ये कि वेरी स्ट्रांग डिवोशन से वो प्राप्त हो रहे हैं। और फिर ये मतलब प्रभु जी मैं मतलब क्या सही सोच रही हूँ या फिर समझ में नहीं आ रहा प्रभु जी, प्लीज थोड़ा सा आप इसे क्लियर कर देंगे। नरसिंह मैं बताता हूँ इनको, नरसिंह मेहता की अनन्य भक्ति के पीछे उनकी बीवी मर गई, उनका बेटा मर गया, सब मर गए, तो क्या आप रेडियो ये सब करने के लिए अनन्य भक्ति करो? ये हरिदा ये विगल मंगल ठाकुर ने अपनी आंखें फोड़ ली, क्या आप रेडियो अपनी आंखें फोड़ने के लिए, तो वो डालने के लिए? ये सारे ये सूरदास जी अंधे हो गए भगवान के लिए, जान के भगवान से बोलते थे, अंधे थे नहीं ये, अंधे हो गए। तो आप देखो ना सेक्रीफाइसेस क्या है, बच्चे मर गए, बीवी मर गई, अंधे हो गए, तो ये उनके लिए है कि जिनका उद्देश्य यही है। मीरा का पति मर गया, क्या रेडी है हम लोग पति मरवाने के लिए? तो अनन्यता की बात करेंगे, तो अदरवाइज आप नियम से करो, समझ गए? तो मीरा का पति मर गया और मीरा के ऊपर उसके जेठ ने गंदी निगाहें रखी और ये सब रेडी हो तो फिर ओके, देन अनन्य भक्ति इज ओके। बच्चा मर जाए, पति मर जाए, ओके, देन इज ओके ना, देन इज ओके, देन इज ओके। लेकिन है नहीं ऐसा, इतने नियम से चलो, प्रगति धीरे धीरे, नहीं तो अगर करोगे तो फिर अलग तरीका है। तो वो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन को सुनकर सीखना चाहिए, एक्सेप्शन में पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। ये है, समझ गए? और सबके पीछे बड़ा बड़ा इतिहास है, मैं सबका इतिहास नहीं खोलूंगा, सबके पीछे किसी का पति मरा है, किसी का बच्चे मरे है ना। तुकाराम जी वो तो तुकाराम जी तो रुद्र संप्रदाय से, और इनमें से काफी भक्त संप्रदायों से भी है, ठीक है। तो ये सेक्रीफाइसेस है, मीरा का आपको बता दिया, तो पूरा फ्री चला गया, भी मर गया और बेटा भी मर गया और सब मर गए है ना। एक बस एक वो थी, क्या कहते हैं, पोती थी, पता नहीं दोती थी, उसकी बात भरी थी। तो ऐसे ऐसे सेक्रीफाइसेस है ना। तो फिर आप विगल मंगल ठाकुर ने आंखें फोड़ ली, तो आप देखो ना, अंधा होना, पति मर जाए, बच्चे मर जाए, तो ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अनन्य भक्ति करूंगी, मेरे पति को कुछ हो जाए, आई डोंट केयर, मेरे बच्चे कुछ कर रहे हैं, आई डोंट केयर, तो ये गलत है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता बोला, तस्मा सर्वेशु कालेशु मा मनुस्मर युद्धस्य। किसी एक्सेप्शन को देख के नहीं कर सकते। एक्सेप्शन है, आजकल एक्सेप्शन है कि लोग लड़कियों के साथ रह रहे हैं, है ना, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, और क्या कहते हैं उसको, लिविंग रिलेशनशिप, ये सब एक्सेप्शन है। लेकिन कैसी है ये? गंदी है, वो भगवान के लिए अच्छी है। लेकिन ना उसमें पढ़ो ना उसमें पढ़ो, एक स्टैंडर्ड में रहो। तो वो इसलिए हम लोगों के लिए स्टैंडर्ड है, ग्रस्त के लिए स्टैंडर्ड है, ग्रस्ती करते करते, और ये हमको परंपरा से जुड़ना चाहिए। अगर आप एक्सट्रीमिटी में आना चाहते हो और अगर आप शुद्ध नहीं हुए तो गिर जाओगे, फिर आप पतन हो जाएगा, कृष्णा गिरा देंगे। और उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सेक्रीफाइस है, ये ट्रेनिंग बचपन से है। मीरा को छोटी सी उम्र से 5 साल से ट्रेनिंग थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। वो ट्रेनिंग बचपन से होनी चाहिए, 5 साल के बच्चे से, तब जाके बड़ी आके परिपक्वता आती है। आज 40 साल की उम्र में हम सोचे हम भी ऐसा, तो होगा नहीं, अनन्य भक्ति आएगी नहीं, आर्टिफिशियली हो जाएगा। दो दिन 5 दिन रहोगे, पता चलेगा बेटे का पैर मुड़ गया, सारी भक्ति छोड़ जाओगे, उसको प्लस्तर कराने चले जाओगे। तो फिर इसलिए अपने जो हमारी औकात होती है ना, जितना हमारा लेवल होता है, उसमें रह के भक्ति करनी चाहिए। भक्ति सबके लिए है, इसीलिए भगवान ने भक्ति सबके लिए इसलिए परंपरा है, भक्ति सबके लिए इसलिए स्टैंडर्ड है, भक्ति सबके लिए इसीलिए शास्त्र है। लेकिन ये लोग शास्त्रों से भी परे हैं, ये डिवाइन पर्सनैलिटी, पूरे पूरे कलयुग में 15 कोई भगवान की कृपा पात्र है, और पिछले जन्मों के बहुत सुकृति है उनके पास, कोई भविष्य है इसपे। ये भक्त माल और ये सब माल, ये बहुत तपस्या की के लिए रेडी है, हमें उसका दुख हो जाता है। भक्त को मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, पता नहीं है, वो उनको पता चलता है गुरु आ रहे हैं, बेटी मजा है, तो छोटा छोटा जो चल रहा है कृष्णा मिलती है, जिसका ये भाव है वो कहाँ भगवान प्राप्त कर पाएगा। सुबह सुबह अच्छी सब्जियां नहीं लाएगा, सुबह सुबह शाम को 3 बजे मंडी खाली होने लगती है, सब्जी हल्की होती है, रेट कम होता है, वो लेकर आऊंगा, क्योंकि 20 भक्त आ रहे हैं, तो फिर क्या स्टैंडर्ड है हमारा डिवोशन का। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसलिए बहुत बड़ा विषय है इसमें, हमें क्या करना है, कहते ना बड़े बुजुर्ग, अपनी हिम्मत से काम करो भैया, जो तुम्हारा हिम्मत उतना पैर पसारो, जितनी चादर हो उतना पैर पसारना चाहिए, जितना कहते ना डूबेगा रे 3 जना, पूंजी कम व्यापार घना, आमदन कम खर्चा घना, गुस्सा क्या कहते हैं,
शक्ति कम गुस्सा गण मैं सोचो इतना जितनी हमारी लाइफ आता है, ज्यादा सोचना भी कई बार हमें प्रेरित करता है और हमसे कोई गलत स्टेप ना उठ जाए, इसमें हमारी यही हिम्मत है। हम पति वाले पत्नी पत्नी हो ना आप, तो हम पत्नी वाली है, पति वाले है, बच्चों वाले है और संसार वाले है, तो संसार में रहते रहते जितना हमसे हो पाएगा प्रभु हम आपकी भक्ति करेंगे और जितना हमको समझ में गीता भागवत आएगी उतना हम करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए और गृहस्थों के लिए बेस्ट तरीका है अपने लाइफ को भगवान में सरेंडर करने का। हाँ, अनन्य भक्तों के बारे में विषय सुनकर आप उनसे उत्साह ले सकते हो, सुनकर आप उनके गुणगान गा सकते हो जिससे आप प्योरिफाई हो गए, सुनकर उनके बारे में विचार कर सकते हो जिनसे आपकी शुद्धता। तो ये जितने बड़े बड़े भक्त है हमको शुद्ध करने के लिए, उनकी लीलाएं हमको उनके बारे में चिंतन करके उनका कथन करके लोगों को उनकी कथाएं बता के हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अनुसरण करो, अनुकरण मत करो, ठीक है ना। अनुसरण करो मतलब उन्होंने जो कहा है उसको पालन करो, उन्होंने जो किया है वो नहीं करना, इसलिए खुद किया है वो मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि मतलब हम उनके स्टैंडर्ड को मतलब नहीं छू सकते। हमें एक ये जो मन है ना हमारा, वो हमें मतलब बहकाने की तरफ ले जाने की वो चेष्टा करता रहता है हमेशा। बस वो एक क्वेश्चन आया था प्रभु जी, बाकी तो मैं नहीं सोच सकती कि वो उनका जो स्टैंडर्ड है वो डिवोशन है। मैं तो उसके मतलब है ना बिल्कुल कहते हैं ना उनके चरणों के धूल के मतलब बहुत एक नेग्लिजिबल अंश का भी मैं सोच नहीं सकती। हाँ क्वेश्चन आया था प्रभु जी, इसलिए मैंने क्वेश्चन तो पूछती हूँ ताकि थोड़ा ये जो मन है ना इसको एक वो दायरा मिले कि वहां नहीं जाना, ये ऐसा है वहां पे इस तरीके से। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कभी कभी सीनियर डिवोटीज की गुरु की आवश्यकता है, तभी आवश्यकता है, वरना अपने मन से तो हम भक्ति में भी अपने हिसाब से करेंगे। तभी तो बोलते हैं हरे भक्त से कुतो महत गुना मनोरथो धावतो अस्तो भाई। अगर हरि की भक्ति शुद्धता से नहीं करी तो मन से ही भक्ति करेंगे, मनोरथो धावतो अस्तो भाई। इसलिए सीनियर डिवोटीज गुरु आचार्यों की आपको आवश्यकता है, आपको गाइड करेंगे कैसे करना है क्यों करना है, तो आपको आपका डेवलपमेंट होगा, वरना अपने मन से तो ऐसा होगा। इसलिए ये बहुत बड़े जिनकी आप जिन जिनका नाम लिया संतों का, ये तो दिव्य लोग है, एक्चुअली दिव्यता के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इनसे सीखना, इनके जैसा नहीं बनना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे हमने आज भी सुना पढ़ा कि भगवान सर्वत्र व्याप है, क्षीर दक्षाई के रूप में हर एक के अंदर है। भगवान गीता भी कहते हैं मैं सर्वत्र व्यापक हूँ और नहीं भी हूँ। तो प्रभु जी एक NBS में एक माता जी ने बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन पूछ लिया कि जब हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो कहाँ होते हैं परमात्मा। तो मैंने घर में डिस्कस किया तो बच्चों ने मेरे को बताया कि हमें आधा घंटा मिलता है, वाकई हार्ट बिल्कुल निकाल दिया जाता है। तो मैंने कहा फिर जिंदा कैसे रहते हैं, कि वो मशीनों से ब्लड फ्लो होता है। तो अभी वैष्णव ठाकुर प्रभु जी भी लाइन पे है, तो प्रभु जी मेरे को क्लियर कीजिए, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट में मतलब किसी और का हार्ट लगा दिया जाता है उस जीव को, तो थोड़ा क्लियर कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दोनों प्रणाम। अच्छा क्वेश्चन है माता जी, ये सिमिलर महाराज से भी पूछा था मैंने क्वेश्चन एक बार। तो एक्चुअली आत्मा और परमात्मा जो है वो नए हार्ट में आ जाता है, उसमें क्या है सर्वशक्तिमान है ना वो, तो ऐसे थोड़ी वो चिपके हुए हैं, तो वो मुख रखे नए हार्ट में आ जाते हैं। बाकी प्रभु जी एकदम एक्सपर्टीज वाला आंसर देंगे, तो जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, मैं बाहर था, क्या क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो परमात्मा फिर कहाँ जाते हैं, फिर नए हार्ट में कैसे आते हैं? अरे भैया आत्मा परमात्मा कोई भगवान बंधित थोड़ा है कि भगवान हार्ट में ही रहेंगे, स्टैंडर्ड है कि हाथ में रहेंगे। भगवान तो गर्भ में चले गए है, भगवान कहाँ रुक सकते हैं, भगवान को रोक सकता है क्या? गर्भ में चले गए तो हार्ट को छोड़ दिया ना, हृदय से हृदय में आया, फिर गर्भ में। भगवान के लिए भगवान को लिमिट में मत लाओ, भगवान कहीं भी रुक सकते हैं, बाहर भी खड़े हो सकते हैं, आत्मा को अपने साथ रोक सकते हैं। वही हार्ट में ट्रांसप्लांट हो रहा है उसी हार्ट में भी रह सकते हैं, ट्रांसप्लांटेड हार्ट में भी, फिर जब नया हार्ट आता है उसमें भी घुस सकते हैं। कृष्णा कैन डू एनीथिंग, ही कैन ट्रेवल एनीवेयर। अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हाँ तुम ये कर लो, हार्ट बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो, किडनियां बदल लो, सब। भगवान के लिए कोई बंदिश, भगवान कहीं भी जा सकते हैं। जब भगवान भागवतम में जब
गर्भ में आ गए, गर्भ कितना गंदा स्थान है, तो वो देख के देवता लोग रोने लग गए। देवता बोलते हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य, भगवान को नाम दे दिया आप सत्य हो प्रभु, भगवान का ये रूप देख के सत्य योनि निहितम जो सत्य, आप ही योनि हो, योनि मतलब योनि होता है कि ओरिजिन, आप ही ओरिजिन हो, तो भगवान कहीं कुछ भी कर सकते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, ये भगवान को समझो, भगवान इस हाथ में चले गए उस हाथ में चले गए, दिस इज ओके दिस इज द आंसर, बट कृष्णा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, कहीं भी जा सकते हैं, हाथ में हटके तुम्हारी छाती पे रुक गए क्या कर लोगे, तो नहीं रुक रहे हाथ में, तुम्हारे लंग्स के ऊपर आके बैठ गए, बताओ इस उनकी मर्जी है, लंग्स से भी तुमको चला देंगे, कृष्णा आंखों से खाते हैं, कृष्णा कानों से बोलते हैं, कृष्णा मुंह से सुनते हैं, कृष्णा कैन डू एनीथिंग, भागवत में श्लोक भी है कि मैं आंखों से खाता हूँ कानों से सुनता हूँ, पता नहीं कौन सा श्लोक है, कृष्णा कैन डू एनीथिंग, ओके। सो ये करतुम, जब भी ऐसे कुछ समझ में ना आ रहा हो तो करतुम मर करतुम अन्यथा करतुम है, समझ गए, एक और आंसर। थैंक यू सो मच गुरुजी, हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। गुरुजी ब्रह्म संहिता में भी क्वेश्चन है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयं चिरं जगन्ति, वाला जो सुबह गाते हैं श्रृंगार आरती में, तो बोलते हैं भगवान को अगर लिमिट कर दिया तो फिर भगवान ही कहां से हो गए, वो तो बदल गया, वो भगवान कहां से बदल गया, वो भगवान कौन है, जो जो बन गया वो तो फिर भगवान नहीं है ना, भगवान कुछ भी कर सकते, ओके ट्रांसप्लांट होता है दूसरे हाथ में आते हैं, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड तो रहेगा ना, स्टैंडर्ड तो भगवान हाथ में रहते हैं, स्टैंडर्ड यही है सबके लिए, यही है स्टैंडर्ड, नहीं चेंज होता, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोगों के हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं, करोड़ों में एक लोगों के होते हैं, और वो भी मरीज 90% वो सक्सेसफुल है ही नहीं, 80% हार्ट का ट्रांसप्लांट केवल जिसके अंदर भगवान की भक्ति होगी उसी का हार्ट ट्रांसप्लांट कामयाब हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता, याद रखना, ज्यादातर लोग मर जाते हैं इसी में, और वो लिखवाते हैं पहले, पेपर साइन करवाते हैं, सबसे मुश्किल है हार्ट ट्रांसप्लांट करना, लीवर किडनी सब हो जाते हैं, लेकिन हार्ट बड़ा मुश्किल है, इसे सक्सेस रेट आप चेक करो कितनी है, डॉक्टर विशाल बताएगा आपको कितनी है, वैष्णव ठाकुर सबसे रेयर, लीवर वाला भी मुश्किल है, लेकिन लीवर से भी मुश्किल है हार्ट का ट्रांसप्लांट करना, लेस होगी, लेस से भी लेस, वो जो शुद्ध भक्त होंगे ना वो करवाए बस, उनके लिए यही है, ये उनके लिए कृष्णा ने एक और ट्रांसप्लांट करा दिया, चलो उनके लिए जिनके हार्ट में कृष्णा रहते हैं, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहिन मोरे वैष्णव, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। जैसे अभी ये चर्चा चल रही थी ना अनन्य भक्तों की, तो जैसे तुकाराम महाराज है और ये अनन्य भक्त है, फिर इनको जो फॉलो करते हैं मतलब जो वारकरी संप्रदाय है ये, फिर तो ये लोग क्या भक्ति के लास्ट स्टेज मतलब अच्छे स्टेज तक पहुंच सकते हैं जैसे तुकाराम महाराज गए थे? तुकाराम, देखो तुकाराम तो परम वैष्णव है, ठीक है ना, इनके फॉलोअर्स और इनको इनको सही तरीके से समझेंगे तो ऑब्वियसली उनका भी कल्याण होगा, ऐसा नहीं है उनको फॉलो करें, लेकिन होता क्या है जब तक कोई नाम नहीं लेता ना, जब तक कोई सही तरीके से साधना शैली को पकड़ता नहीं है तो वो प्रगति नहीं कर पाता, इनका नाम लेके इनको इनको क्या कहते हैं मोहरा बना के उनके अगले जन्म सुधर जरूर सकते हैं, क्योंकि एक वैष्णव के प्रति इतना भाव रखा उनको प्रगति मिलेगी, हो सकता है वो वैष्णव के प्रति भाव रख के कृष्णा प्रसन्न होकर कुछ और भी दे दे, वो भी कृष्णा की मर्जी है, लेकिन आप सोचो कि जो बेसिक रूल सबके लिए है ना, जो आप मृत्यु लोक में हो, मृत्यु लोक एक होता है विष्णु लोक एक मृत्यु लोक, मृत्यु लोक में जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी भगवान की मंजरियां आती है वो भी भगवान का नाम लेती है, नियम यहाँ पे वही है, रूप मंजरी कौन है, रूप गोस्वामी रूप मंजरी कौन है, ये दिव्य धाम से आई है, ये रूप मंजरी राधा रानी की सबसे प्रमुख सेविका, ललिता की सबसे प्रमुख सेविका है, तो प्रमुख है रामानंद राय स्वयं आते हैं यहाँ पर, रामानंद राय और भगवान का नाम लेते हैं, रामानंद राय कौन है, ललिता सखी खुद आके नाम ले, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान बन के आए, स्वयं भगवान का नाम लेते हैं, भज हरे कृष्णा जप हरे कृष्णा, है ना, भजन भी है, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को, आमारा ज्ञान है मांग यही भिक्षा, बल कृष्ण जप कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, अपराध शून्य होए लयो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्णा के नाम ले रहे हैं, नित्यानंद स्वयं नाम का प्रचार कर रहे हैं, रूप गोस्वामी स्वयं गोलोक से आए हैं वो नाम का प्रचार, आप देखो ना भगवान ने रूल अपने लिए भी नहीं तोड़ा, तो आप अगे कहो हम तुकाराम जी को मानते हैं हम उनकी संप्रदाय में, नाम तो लेना पड़ेगा ना आपको,
महामंत्र तो करना पड़ेगा। तो ये लोग प्रगति करेंगे क्योंकि एक वैष्णव के प्रति इनकी आसक्ति है, लेकिन ये भगवत धाम भगवान नहीं प्राप्त करेंगे, कभी कभी नहीं करेंगे। इसलिए गुरु नानक देव जी एक बार बोलते, आपे बीजो आपे खाओ, आपको खुद करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। भगवत धाम ये नहीं है कि आपको दो मिनट में, हाँ सुकृति बनेगी, वैष्णव सेवा की सुकृति है, ठीक है ना। तुकाराम जी बहुत बड़े भक्त है, बहुत बड़े वैष्णव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। विट्ठल जी को उन्होंने अपने इतनी सेवा करी, उनको प्रकट कर दिया, ठीक है। तो ये है उनका, करना तो पड़ेगा ना। अगर आप भी, क्योंकि मैं भी एक वैष्णव परिवार में हूँ, अगर आप वैष्णव परिवार में हो, हम वैष्णव परिवार में है, लेकिन हमें जो सिस्टम जो कल्चर है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। और गीता का कल्चर सबके लिए है, गीता को ये थोड़ा ना कि जो मराठी लोग है उनके लिए अलग गीता है। हाँ लैंग्वेज अलग है लेकिन मतलब तो वही है, मराठी तो लिपि भी वही है जो हिंदी की लिपि है, देवनागरी, वो तो लिपि भी सेम है, थोड़ा सा बस लिखने का फर्क है ना। तो मराठी के लिए भी यही श्लोक है, सतत कीर्तयन्तो मम। बंगाली के लिए भी यही श्लोक है, सतत कीर्तयन्तो मम। गुजराती के लिए भी यही श्लोक है, सतत कीर्तयन्तो मम। सबके लिए अलग श्लोक थोड़ा है, सबके लिए सेम श्लोक है। कोई नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, कोई ईस्ट इंडिया में रह रहा है, कोई वेस्ट इंडिया में रह रहा है, कोई साउथ इंडिया में रह रहा है, श्लोक तो गीता के सबके लिए वही है ना। सतत कीर्तयन्तो मम यतंतश्च दृढ़विता, नमस्तस्य माम भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। श्लोक तो सबके लिए यही है, संस्कृत तो सबके लिए है। इसका मतलब आप अपनी भाषा में कुछ भी करो, मतलब भी वही रखो, अपनी भाषा में कैसे लिखते हो अलग बात है। तो भैया गीता तो सबके लिए है ना, तुकाराम जी के लिए भी वही गीता है जो रहते हैं महाराष्ट्र में, नरसिंह मेहता के लिए भी वही गीता है जो रहते हैं आपके गुजरात में, और तुलसीदास जी के लिए भी वही गीता है जो रहते हैं यूपी में। तो ये अलग थोड़ना है, तो ये समझना पड़ेगा। और जितने हमारे गोस्वामी है, रूप सनातन, ये रहते हैं बंगाल में, और जो ये बाकी गोस्वामी है, वल्लभ भट्ट और ये सब, ये लोग रहते हैं साउथ में, गोपाल भट्ट, ये सब साउथ के गोस्वामी है। तो ये सबके लिए गीता तो सेम ही है ना, गीता थोड़ा चेंज हो गई। तो अगर कोई उस संप्रदाय से, कोई इस संप्रदाय से, सबके लिए सतत कीर्तयन्तो मम हुआ ना, ये समझना पड़ेगा। इसलिए वो करेंगे नहीं, उनको सुकृति जरूर मिलेगी, अवसर मिलेंगे। सुकृति क्या होती है? भक्ति की, भक्ति की सुकृति होती है भक्ति में अवसर मिलना, अपॉर्चुनिटी मिलना, ये है भक्ति की सुकृति। तो दे विल गेट अपॉर्चुनिटी लेटर ऑन, बाद में उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर गए तो फायदा, नहीं तो फिर अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा। आजकल क्रिकेट होता है, क्रिकेट में एक नई बॉल जनरेट हुई, आपको पता है फ्री हिट, जो फ्री हिट होती है, फ्री हिट में मतलब आप आउट नहीं होंगे, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। उस बॉल पे आप अगर आपने शॉट मार दी, नो बॉल हो गई, और आपने उसके बाद नेक्स्ट बॉल आपको फ्री हिट मिल गई, आपने शॉट मार दी, आपकी कैच हो गई, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप आउट नहीं गिनोगे, आप भागो, दो रन लो, तीन रन लो, आउट नहीं होगे, तो उसे कहते हैं फ्री हिट। तो इसलिए ऐसे ऐसे करके हमें एक प्रकार की फ्री हिट है, भक्तों की सेवा करके हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अरे पूरा जीवन तो अजामिन ने भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो भगवान ने बोला तेरी वृत्ति बदली नहीं है, अंत में तूने मेरा नाम ले दिया, तो भगवान ने कहा तेरे को भगवत धाम नहीं लेके जाए। अजामिल भगवान का नाम लेके भगवत धाम नहीं गया, अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया, विष्णु दूत आए, तो विष्णु दूत जब लेके जाने लगे तो देखा इसके तो सुकृति नहीं है, इसके पास तो गुरु नहीं है, इसके पास तो नाम की कमाई नहीं है, लेकिन अंत में नाम कैसे ले लिया? अपने बेटे का नाम, अच्छे का अच्छा कर्म किया था, अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तो क्या किया? 12 साल हरिद्वार में नारद जी गुरु बने। अब नारद जी ने बोला देख तूने एक अच्छा काम किया था ना, अपने बेटे का नाम नारायण रखा, तेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है। तो भैया अजामिल ने बोला मैंने एक बार नाम लिया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, 12 साल दबा के नाम लिया और सेवा करी हरिद्वार में भक्तों की, फिर भगवत धाम चला गया। तो ये तुकाराम जी के जितने भी संप्रदाय में भक्त है, इनको अपॉर्चुनिटी मिली है, और इस अपॉर्चुनिटी से भगवान का नाम ले। और अगर ये समझ में नहीं आया, आगे वाले संस्था ने ये नाम का प्रचार नहीं किया, तो इन सबको आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तुकाराम का गुणगान करके, इनको दोबारा गौड़िया वैष्णव बनेंगे या कुछ बनेंगे, ठीक है, ये है सारा कल्चर। लेकिन ये सोचो कि नाम नहीं लेंगे इनका हो गया, ऐसा नहीं, सबके लिए रूल है, क्या रूल इज फॉर ऑल। महाप्रभु ने अपने पे रखा, इस मृत्यु लोक में स्वयं नाम ले रहे हैं, हाँ विष्णु लोक में नाम नहीं लेते, वहां पे सेवा चलती है, यहाँ का नियम है कि सबको नाम लेना है, ये मृत्यु लोक है और वो विष्णु लोक है। मृत्यु लोक में अगर विष्णु भी आते हैं तो भी नाम लेते हैं चैतन्य महाप्रभु, विष्णु लोक में जब विष्णु के दूत भी आते हैं रूप सनातन गोस्वामी, वो भी नाम लेते हैं। जो उनको भगवान ने नहीं छोड़ा, तो क्या इनको छोड़ देंगे? तुकाराम के भक्तों को किसी को नहीं छोड़ेंगे, रूल रूल इज फॉर ऑल, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया आपको। हरे कृष्ण, कोई ट्यूटर चाहे कितना ही टॉप क्लास हो, हाई क्लास हो, लेकिन स्कूल से बिल्कुल उसकी उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो तो वैसे ही रहेगी,
ठीक है ना, ठीक है, थैंक यू प्रभुजी, हरे कृष्णा। तो प्रभुजी समापन करते हैं, करें प्रभुजी? ठीक है स्वामी, हरे कृष्णा।